बैम बूम ब्रीम दोस्तों, कैसे हो, क्या पोजीशन है? बहुत बहुत महाफाड़ू महाखतरो पांडिचेरी, स्वागत है आप सभी का आज की स्ट्रीम में। फर्स्ट एंड द बेस्ट आर्मी को, यानी कि आप सभी को एक्सक्लूसिव प्रणाम कर दूंगा मैं। यो बोलो, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए बाबा लोग, क्या बात है, बोलो थैंक यू। धोनिया सीपी भाई, हेलो ड्रैको 99, सिद्धार्थ सिंह, अर्णव साधु खान, सिद्धार्थ साहू, विघ्नेश बांकर, द मॉडर्नाइजर, नेक्रोन वर्ल, अमोल लेविस, लुइस राहुल रावत भाई, हेलो केबल थ्री, अभिनव त्रिपाठी, बहुत थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, क्या हाल चाल। सैन मिश्रा, अभिनव त्रिपाठी आज हो गया, सिद्धार्थ पुजारी, क्या हाल चाल बाबा, क्या चलते ला। मानंदा समत शेट्टी, बहुत थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। जिंगल प्रणव झा, बहुत थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। स्पाइडर ओम गेमिंग, अर्चिका सिंह राठौर, मेरे भाई अमित कुमार, मिस्टर जे, बहुत थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, क्या हाल चाल। वोल्डेमॉर्ट इन द गेमिंग भाई, हेलो। पार्थ महाजन, अजय सैनी, रूहान गुप्ता, आरवी मैक, बहुत थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। गौरव पांडे, हेलो। प्रतीक सोनी भाई, हेलो, बहुत थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। सिद्धार्थ लोखंडे, हेलो, क्या हाल चाल, क्या चलते ला है, अरे क्या चलते ला है। डिफ्यूज टू के मेरे भाई, कैसे हो, क्या हाल चाल, क्या चलते ला है। सुपर बॉय, बहुत थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, और आगे बढ़े उससे पहले हो जाए इलेक्ट्रीफाइड कोबरा का वेश। इलेक्ट्रीफाइड, हाँ क्या खतरनाक स्टोरी है इसकी। सुशांत छेत्री मेरे भाई, कैसा गोली ऑन फायर, 50 सालों की, हेलो, बहुत थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। दुर्गेश शर्मा, पंकज गहलोत, हेलो भाई, क्या चलती वहीं, और वॉर जोन चलते लाए, राइट, आवाज आ रही ना वॉर जोन की। मैं सोच रहा था कि मैं कुछ और आज करामात करें, हम जिस करामात के बारे में हम सोच रहे थे वो करामात बहुत ही खतरनाक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि साउंड स्लो क्यों है। रोज के रोज साउंड स्लो। अंकुर राज मेरे भाई, कैसे हो, क्या हाल चाल, क्या चलते ला। थोड़ी सी आवाज बढ़ाई है मैंने, दे दे समझ मेरे भाई। री 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 मैं सब स्पॉन्सरशिप चालू रखूंगा मैं, खतरनाक दे दो समझ भाई, बहुत थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। खतरनाक 2 साल के लॉयल्टी बैच के साथ में पधारते हुए तीव दस समंत, ओ माय गॉड, क्या बात है दे दो भाई, यही तो बात है, यही तो गेम है। स्टिल नो चेंज, मैंने वॉल्यूम को क्या मैं वॉल्यूम को 50% से 100% पे लाया हूँ, चेंज नहीं कुछ, किसी भी बात की कोई चेंज नहीं है। इनपुट इज ऑल ओके, अरे शायद इन गेम से बंद होगा, भविक हेलो भाई। स्नाइपर चेंज करो, कौन सी स्नाइपर चेंज करें भाई, वायबल ऑप्शन तो यही है, स्नैपर चेंज कौन सी करेंगे, हाँ व्हाट डू यू थिंक ब्रा, रेंज डैमेज, हमने 8 times लास्ट टाइम डाला था इसके अंदर, 8 times, और अब मुझे इसकी जरूरत पता नहीं क्यों लग नहीं रही, क्योंकि भियो फायर रेट बढ़ तो रहा है इसका, टाइटेनियम श्राउडेड एल्युमिनियम कोर एंड स्केलेटलाइज्ड हैंडल मेक इट मेक दिस बोल्ट असेंबली लाइटिंग फास्ट, बोल्ट असेंबली लाइटिंग फास्ट मतलब फायर रेट बढ़ेगा तो सही, नो डाउट। एम डाउन साइड स्पीड रिकॉल कंट्रोल, एमिंग स्टेबिलिटी है,
कंट्रोल माइनस साइन स्पीड एम स्टेबिलिटी। पर यार ये स्टॉक आप कोई भी बदलते हो ना, पूरी एम टू फोर की 12 बज जाती है, वो लगती ही नहीं कि एम टू फोर है, तो इसलिए मुझे बेकार लगती है। सप्रेसर के साथ में हाँ ठीक है, बट एम साइड स्पीड एम वॉकिंग स्टेडीनेस साउंड स्टैम रेंज एक बार हम चला के देखते हैं। हमने निकाला है बोल्ट असेंबली, ठीक है, तो बोल्ट सप्रेसर लगा लेते हैं और नहीं जमा तो फिर वापस से निकाल के बोल्ट असेंबली डालेंगे। मेरा मतलब ऐसा सोचना समझना है। नर्व के बाद कैसी है? नर्व के बाद बिल्कुल नर्व करने जैसी है। 36 मंथ्स कंप्लीट। ओ भाई देवदत्त भाई खतरनाक काम है। गैदर भाई कैसे हो, क्या चल रहा? शुभांकर डे मेरे भाई, अभिषेक हेलो, सुदीप सुदीप पंजा हेलो, विवेक कुमार हेलो। ये अच्छा है हड्डी राजा, ये हड्डी राजा सही है। रथी क्यों बोल रहे, अरे रथी क्यों बोल रहे, कीलो को मैं सोच रहा हूँ एक चांस और दें क्या, कीलो को क्या लगता है, कीलो को एक चांस और दें? कीलो कितने रुपए कीलो? 7 रुपए कीलो तो हमने बनाई थी ऐसे, कीलो को एक चांस देंगे और 7 रुपए किलो यार, 7 रुपया किलो। बट क्लोज क्लोज रेंज में मार खाएगी यार ये, कुछ भी बोलो आप। वॉर जोन में मिड रेंज तक के लिए ठीक है, क्लोज रेंज में तो कुटाई खा जाएगी। अर्णव महापात्रा भाई हेलो, सुयश राय हेलो, बोलो थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। प्रवेंद्र सिंह मेरे भाई, रिजू मेधी हेलो, बोलो थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। क्या हाल चाल? कहाँ 98? चलो पहले सप्रेसर के साथ तो चला के देखें, मैं बहुत हो गया। एक काम करते हैं, क्लोज क्वार्टर खेलेंगे तो मैं इसमें से ये हटा के मैं डाल रहा हूँ अपनी गोल्डन 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 MP7, ठीक है। इसमें अगर थोड़े से चेंजेस करना चाहें तो हम भले कर सकते हैं, रिकॉल सुल्टी रिकॉल कंट्रोल। चलो लेट्स स्टार्ट, ये लोड आउट देखते हैं कैसे चलेगा। SPR अब्यूजेबल है कि नहीं, विल फाइंड आउट टुडे, देखते हैं। VLK में हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मिड रेंज पे ही VLK वाइबल है, मिड रेंज पर ही किलो वाइबल है। क्लोज रेंज में तो कोई भी किसी भी राइफल से कुटाई खा जाएगी वो। क्लोज रेंज में MP4 MP7 M4 ग्राउ RAM7 बहुत सारे वेपन है क्लोज रेंज में जो निपटा जाएंगे उसको, इवन MP5। अरे मैं मैसेज मैसेज कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं आप स्ट्रीम पे हो। तो सब आ जाओ ना, बैठो। नहीं क्या हो गया? हाँ बैठो बैठो। मैसेज अच्छा मैसेज कर रहे थे क्या? मैं हाँ स्क्रीन पे ही हूँ साहब जी, मतलब मैं देखा ही नहीं। साहब जी मैं तो बोल रहा हूँ कोल्ड वॉर ले लो, क्या बोलते हो? साहब जी तो बोले कोल्ड वॉर तो ले ले, नेट तो ले दो, नेट तो ले ले, इंटरनेट का हार्डवेयर सले। तो ले ले। वही तो साहब जी, साहब जी नहीं तो मैं तो बोलता हूँ फीफा ले लो। पर फीफा सभी फीफा नहीं है क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्या बोलते हो? नहीं है सर, शायद शायद
फीफा क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है सभी मजा आया थी अभी हो रहे होंगे अभी तो कुछ हो ही रहा है सब जगह क्रॉस प्लेटफॉर्म हाँ ये के साथ इतने सारे गेम है तो फीफा जो मैंने वेबसाइट दी ना उसमें से डायग्राम चेक करना हाँ साहब जी मेरा जो ये मैं आपने जो दिया ना वो इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल वाला है और नहीं, 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 वो 200 केवी का है 5 केवी से लेके 200 केवी तक मेरा वाला साहब जी 5 केवी का ही है और पर जो उसका सर्किट है ना जो उसका जो आपको जो फंक्शन जो उसका होता है वो उसी के अंदर इंक्लूड होता है वो आप एक डायग्राम चेक करो कि आपको कौन सा इक्विपमेंट कहाँ होता है ट्रांसफार्मर से लेके और अच्छा। आपका जो आपका घर का जो वायर आ रहा है जो मीटर पे आ रहा है जहाँ पे भी अरे मुझे सब जहाँ तक मुझे मालूम है मेरे यहाँ लगाई नहीं पड़ा ये सब जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है वही है साहब आपको सोसाइटी को एक लेटर लिख के देना तो मुझे बोलना पड़ेगा कि हाँ और फिर क्या उनकी मीटिंग होती है जो भी होती है उसमें आप वहाँ पे इशू खड़ा करो वही हाँ वही सोचा मैंने कि अभी तो वहीं पे होगा काम कुछ नहीं बचेगा थोड़े दिन बाद इसकी वारंटी चली जाएगी तो ये और वही ना साहब दिक्कत हो जाएगी फिर तो बड़ी भारी और बाप प्रदीप जादव मेरे भाई बॉबी व्लॉग्स 2 हेलो भाई कैसे हो बॉबी भाई फेस नहीं किया कल हाँ मतलब कल तो मैं कुछ करने भी नहीं वाला था मतलब मैं बताया था शाम को शायद ही खेल पाऊंगा मैं शायद वहाँ से मार खा रहे ना तो हम यहाँ से स्नाइपर टेस्ट करेंगे ठीक है हमारा स्नाइपर टेस्टिंग अभियान अर्णव महापात्र भाई अर्षिक सिंह नाडर भाई साहब जी को प्रणाम हमारे क्या सर अंडरग्राउंड केबलिंग हो रही है सिटी में हाँ अब जाके ठीक है मतलब काफी तो हाँ थोड़ा आउटर में भी आने लगे तब मैंने वो डब्बा देखा तब मैंने उस बंदे से पूछा गाड़ी रोकने में कि भाई ये डब्बा किस चीज का उसने मुझे बताया था कि ये डब्बा उस चीज हाँ जी मैंने जैसा सेम डिजाइन आपने देख भेजा है ना वो मैंने भी देखा था ये बस उस जगह पे इनके टायर नहीं होते ये लोग किलर पे वेल्ड कर देते हैं और वो किलर है वो जमीन पे अंदर डाल देते हैं पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक को फोन आता है ओए शायद यही तो गड़बड़ है शायद जी MP7 ही साहब जी वेस्ट हाँ 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 छोटा तो साहब जी लगा ही हुआ हमारे यहाँ तो इतना बड़ा छोटा भी आता है मतलब ये तो बड़े बड़े होते हैं ऑयल वाले होते हैं ऑयल आपको डालना जो जल्दी फटने के चांसेस होते हैं ऑयल से ज्यादा नीचे जो है वो लगते कॉलोनी के बाहर फिर ये सर्किट लगता है इसी का ही खुद पावर सप्लाई होता है कॉलोनी कॉलोनी में मतलब 50 घर इतना बड़ा ताम जाम 200 में तो शायद हो जावे 200 से कम में हो जाए पता नहीं अरविंद सिंह भाई बोलो थैंक यू 20 रुपीज के सुपर चैट के लिए ज्योति प्रकाश पात्रा भाई हेलो साहब जी को भतिंडा वाला प्रणाम बठिंडा वाला प्रणाम कैसा होता हमारे वाले जोधपुर वाली कमागणी होती है कमागणी कमागणी सा कमागणी ओके गुड बिना आर्मर के मार गया यार
ठीक है, तो इनको निपटाने का टाइम आ गया है। एसडीआर चला रहे हैं वो लोग, लेजर गन है एसडीआर, ऑब्वियसली इस रेंज पे बेटर है। फायर रेट फास्टर तो नहीं है बट एम लेजर है उसका, तो इनको बताते हैं। अब मैं वहाँ कूदूंगा ही नहीं ना, अब साइड में कूद के निपटा रहा हूँ इनको। तेजस्वी पवित्र भाई हेलो, इम्परफेक्टली परफेक्ट भाई, कैसा क्या हाल चाल, क्या चाल ठेला। बैक इन एक्शन, तो इनका एक्शन निकालना होगा। इनको लंबे हेडशॉट देता हूँ मैं, ऐसा पड़ेगा ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे इनके, फिर इनके मुंह से गाना निकलेगा ऑडियो में कुछ तो ताक है। ऑडियो में कुछ तो ताक। अरे अभी भी बग डे ब्रो, इसका ये विजुअल बग अभी भी चालू है। वो जो ट्रेसर है ना, ट्रेसर परफेक्ट नहीं, ट्रेसर अलग जाता है, बुलेट अलग जाती है। अभी भी मैं डैम श्योर बोलता हूँ, ट्रेसर अलग है, बुलेट अलग है। देखा लाल बग है ब्रो ये, ट्रेसर का बग अलग है, बुलेट अलग जाती है, ट्रेसर अलग जाती है, दोनों सेपरेट है इसमें। दोनों सेपरेट है, मुझे नहीं लगता इसका वर्क ठीक हुआ है अभी। ट्रेसर और बुलेट अलग अलग जा रही है और बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है आगे पीछे होने का, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एमो ही ख़त्म हो गया था, कोई बात नहीं, एमो है हमारे पास। ले मैच में घुसे और मैच ख़त्म होने वाला है। लगे हुए हैं मतलब, हेड पड़ा गया मेरे को। ओके नाइट वॉल गेमिंग में हेलो, कल फीफा में बहुत मजा आ गया। ऐसा क्या सही है, कैन वी प्ले, क्यों कैन वी प्ले गुड ऑन 60 FPS गेम। भाई हमने तो 60 FPS में खेला है, 1.8 GHz में भी खेला है, उसमें भी 150-150 किल करी हैं, तो खेल सकते हो क्यों नहीं खेल सकते, खेल सकते हो, हम खेल सकते हैं तो खेल सकते हो। डेथ कैम क्यों नहीं आया, डेथ कैम के लिए मुझे एक्चुअली पूरा देखना था कि उसने कहाँ से मारा। बहुत चालू लोग हैं कॉड वाले, आपको डेथ कैम देखना है तो पूरा आपको इसको मेरे को डाउन करना है एक बार। मिले आदमी उड़ रहा है हवा में। अरे खतरनाक बग चालू है भाई, खतरनाक बग है। इसका निस सबको से सही लग रहा है मुझे, ठीक है चलाओ ये भी तो हम भाग निकलेंगे भाई। वो वापस सोच रहा होगा अजी भैया आप फिर से गिर गए, तो फिर यार कुटाई कर दी जाएगी, कुटाई। चिंकड़ सोच रहा होगा अजी ये क्या हुआ, हम तो चिंकड़ हैं पर 3 बार हैट्रिक में डाउन हो गए। बिल्कुल लाला तुम्हारा हैट्रिक करेंगे आज, हमारे पार्टनर का मार खा रहे हैं यार, 300 मीटर 400 मीटर दूर बेचारे। अरे यार स्पॉटिंग कर दी मैंने, बैटलफील्ड वाली स्पॉटिंग ऐसे नहीं चलती, बैटलफील्ड वाली स्पॉटिंग कैसे काम करती है, ऑल्ट से काम करती है, ओरी Alt, Alt. Nice. Armor थोड़ा है मैंने, लो एमो तो एमो ले लेंगे, ऊपर है एमो।
कुलदीप कुमार भाई, अर्जुन क्या कुलकर्णी, कैसे हो, क्या चल तेला, क्या हाल चाल ब्रो, क्या हाल चाल, हाउ यू डूइंग। चलो चिंकड़ के खबर लेंगे अभी। उन्होंने भी सब प्रेशर लगाया हुआ है आई गेस। ना ना ना, अब तो हम लेंगे नहीं चांस, क्योंकि आर्मर गया मेरा पूरा। मुझे जो बात समझ में नहीं आ रही वो ये कि मैंने साउंड तो अच्छा खासा बढ़ा रखा है, तुम्हें सुनाई क्यों दे रहा है। सही कर लौड़ा, आज मुंबई की क्रिकेट फेल हो गई थी। हाँ यार मैंने सुना फिर, यस बस सुना था। अरे बॉडी शॉट में भी निपटा जाएगा, चलो गया गंदा चिंकर लौटा। हमने 8 times डाला हुआ, इसके ऊपर कोई स्कोप है क्या इसके अंदर? 8 times के ऊपर तो कोई स्कोप नहीं है ना। 8.25 क्या साहब जी? मैं तो कह रहा हूँ कोल्ड वॉर ले लो, बैटल फील्ड साहब जी 1 साल दूर है। 1 साल दूर है अभी। कार्ड और कार्ड आने दे। कार्ड आ जाएगा हाथ में। ब्लैक फ्राइडे सेल भी आएगी ना, कर लेते हैं। यस सप्रेसर हटाओ, मजा AWM में ही आता है। AWM आएगी ना यार, कोल्ड वॉर में आएगी। देखो सप्रेसर हटा दें, ऐसा सप्रेसर हटा दें तो बता दो, सप्रेसर हटा देंगे अगर सप्रेस अच्छा नहीं लग रहा है तो। सप्रेस के साथ भी पर टेस्ट करना पड़ेगा ना। टेस्ट तो कर लिया है, वो विजुअल बग अभी भी है यार, मैंने देख लिया विजुअल बग है अभी। आप जब आप अगर ट्रेसर के हिसाब से एम कर रहे हो तो आपको आपको अपना क्रॉस हेयर ऊपर रखना पड़ रहा है एनिमी के सर के ट्वाइस द ऊपर रखना पड़ रहा है, ट्वाइस द ऊपर, जो आप यूजुअली बिना ट्रेसर को फॉलो करते हुए रख रहे हो। तो ये ऑपोजिट हो रहा है बिल्कुल, मतलब उसकी कोई वैल्यू ऑपोजिट हो चुकी है, बुलेट ड्रॉप की कोई एक वैल्यू ऑपोजिट हुई है मुझे लगता है। हाँ मैं बताऊँ क्या हुआ है, जो चीज इसको कैसे पुट अप कर सकते हैं, जो चीज जो चीज समझ लो आपकी, जो एनिमेशन 300 नॉर्मल राउंड में दिखना चाहिए वो बुलेट बुलेट्स बुलेट के अंदर, वो एनिमेशन एक्चुअली है, वो एनिमेशन एक्चुअली काम कर रहा है विजुअल वाले एनिमेशन के अंदर। जो बुलेट का एनिमेशन होना चाहिए वो विजुअल वाले एनिमेशन के अंदर काम कर रहा है, और जो 338 लैपुआ मैग्नम वाला राउंड है उसका जो बुलेट स्पीड होना चाहिए वो इसमें काम कर रहा है। पता नहीं कैसे इसको पुट अप करें यार, शायद पता नहीं। मजा तो गन की साउंड में ही है, है 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 है। ये बात भी सही है आपकी, ऑलराइट परफेक्टली राइट। लेट्स गो विधान पॉल, यो विधान पॉल नहीं है। वहां क्यों जाना है भाई, आज फास्ट फॉरवर्ड गेम प्ले दिखाना है ऐसा? हम तो जा रहे हैं स्नाइपर टेस्ट करने लाला, हमारा टाइम आ चला है स्नाइपर टेस्टिंग लोकेशन पे जाने का। हार्ट से दर्द वाइडी मेरे भाई, कहा हो या कहा चाल या कैसा ना हो, हाउ आर यू ब्रो, टीम मेट डाउन। हमारे पीछे है क्या कोई दुश्मन का कुर्गा? नो दुश्मन का गुर्गा आफ्टर ऑल। अच्छा ये बाय डिफॉल्ट इसका सपने तोड़ता हूँ मैं, इसके सपने अधूरे करता हूँ मैं। ओ लगा बॉडी शॉट, सपना अधूरा हो जाता है बेचारे का, सर पे लगता है अभी अभी मसल रहा होगा अंदर, क्या देखो
पार्टनर आया इसका, ये पार्टनर बुलाता है, पार्टनर बुलाता है, पार्टनर बुलाता है। ओके हाँ हो रहा हो रहा, हाँ तुम नाचो मत। लेट मी टेक केयर ऑफ यू, लेट मी टेक केयर ऑफ यू ब्रदर। स्नाइपर टेस्टिंग चल रही है यार, प्लीज भागो मत। I'm a latesting sniper. नहीं आ रहे हो, इतना अच्छा मौका था, शॉपर वाला कहाँ गया फिर? ये अभी इस मुझे लगता है अब सब यहाँ पे मिड गेम में आएंगे, क्योंकि सर्कल थोड़ा दूर था। ये बंदा है ना, मुझे लग रहा है फायर रेट थोड़ा, फायर रेट थोड़ा स्लो हुआ है, मैंने स्ट्रेट पुल बोल निकाला है ना। यस फायर रेट थोड़ा स्लो हुआ है, उसका काम वही है स्ट्रेट पुल बोल्ट का, तो हमें सप्रेसर हटा के वही पुराने लोड आउट पर जाना पड़ेगा। ये फायर रेट स्लो हुआ है, फॉलो अप शॉट्स आपके धीमे जा रहे हैं। ओ माय गॉड, ओ कूद गया यार, मैंने ऊपर ले लिया शॉट। Car 98, nice shot. अरे चौपर वाला सोच रहा हूँ, अरे मेरे पार्टनर को मार दिया। यस मुन्ना, तुमको और तुम्हारे पार्टनर को ढेर कर दिया जाएगा। दमनजीत सिंह मेरे भाई, क्रिमिनल मोदी मेरे भाई, रुपेश सोनोने मेरे भाई, क्या चलते ला, अंशिका दास गुप्ता, गोल्डी ऑन फायर मेरे भाई, पलाश नंदी हेलो, क्या चलते ला। आयो किसी ने मारा है हमको, हम साइड में जाके मारा। कौन है? डाउन तो हो रहे हैं पर जो गन के बुलेट की आवाज है ना तुबड़िक, वो अच्छी लगती है, तुबड़िक अच्छी लगती है सुनने में। कोई है बंदा जिसका निशाना बने हुए हम, पर इसको क्या एंगल नहीं मिल रहा है हमारा, तो भापड़ा हमको मार नहीं पा रहा। बाकी डाई हार्ड लग रहा है, वो दो बार तो उसने गोली निकाली है कान के पास से। ओ चलती में दिया भाई को, चलती में किल कंफर्म भी हो गई चलती में। लो अच्छा ये तो वाला है, चलती में किल कंफर्म करा दूंगा मैं चलती में। ये लोग भी सोच रहे होंगे, बोले यार अंधे चुक्के कहां से पड़ रही बेचारे, कहां से पड़ रही, बोले अंधी चुक्की में, अंधी चुक्की नहीं लाला, स्नाइपर शॉट है अंधी चुक्की। Alright, passenger. अरे क्या हुआ, कोने में जाके नीचे लेट गया? ओ ये आया पार्टनर, आया इसका, देता हूँ इसको अच्छे से देखना। हेलो डोलो मत यार, अच्छे से मारने दो हेडशॉट। पता कितना मुश्किल होता है रनिंग टारगेट को मारना इतनी दूर। प्लीज डोंट यू हेलो, बहुत हिलते डुलते हैं यार, बाकी लॉन्ग शॉट्स का अपना ही मजा है। चीटियों की तरह मसल दाओ जी पे, देखो ओह माय गॉड, ये तो देखना होगा, ये तुरंत देखा जाएगा जी पे। तेजस्वी भाई बोलो थैंक यू 52 से गूगल पे के लिए, कहना है कल वाली स्ट्रीम, कल वाली फीफा स्ट्रीम में मजा आ गया, एक्सक्लूसिव वाली कमेंट्री थी कल। हाँ तेजस्वी भाई थैंक यू, और बापरे फीफा तो और खेलेंगे यार, PS5 आ जाए ना फीफा रगड़ देंगे। अब मुझे क्या है कि थोड़ा पता लग जाए कि यार पेस देखो मैंने अच्छे से देख लिया। ये आप कर ही नहीं सकते कैलकुलेट, क्योंकि बग है इसमें अभी भी, बग है इसमें अभी भी। मैं वही सोच रहा हूँ कि पेस और
फीफा में से क्या चलाऊँ मैं खुद क्या सीखूँ, दोनों में लर्निंग कर्व है। फीफा मुझे थोड़ा सा इजी पड़ेगा, फीफा बंदे आते नहीं यार, कैसे मारूंगा, फीफा थोड़ा इजी पड़ेगा सीखने के लिए। इजी का मतलब है 2 महीना और पेज थोड़ा हार्ड पड़ सकता है 3-4 महीना, मतलब सब कुछ सीखने के लिए। और फिर वो जो फ्लुएंसी डेली वाली है वो तो डेली खेलने साथ ही, डेली वाली फ्लुएंसी तो इनकी स्तुताई कौन कर रहा है यार, चॉपर वाला गया कहीं, ये लोग एक जगह खड़े भी तो नहीं होते यार, कैसे मारे इनको, बिल में जाके बैठे हुए। सब ठीक चला था तो भैया, अरे भैया सब भले है, सब कृपा है प्रभु की, कहाँ को बताइए। नाच मत लाला, एक जगह खड़े हो जा। ये और तेरी लगी थी अच्छी खासी इसको, एक तो रेंडर अब हुआ, रेंडर देखा 10 सेकंड तो रेंडर होने में लगते हैं इसको, आप डिसाइड क्या करोगे कहाँ क्या हो रहा है। बंदे हैं ऐसा है नहीं, पर वहाँ क्या हो रहा है कि 2 स्क्वाड एक साथ फाइट कर रही हैं, तो उनका है ना आपस में ध्यान भंग हो रहा है, तो स्नाइपिंग कैसे करेंगे यार। देखो ये रेंडर नहीं हो रहा, अब होगा रेंडर, ये अब हुआ रेंडर, देखो आप इसको मारूँ क्या, टपली टपली शॉट, ये ओ टपली शॉट लगाया, ऐसे लगा टपली शॉट उसको, हार्बर गया उसका हेड, लगता था क्या मजा आती यार। एक जगह खड़े रहो मुन्ना, हिलो नहीं हिलो नहीं हिलो नहीं हिलो नहीं हिलो नहीं, ज़्यादा दर्द नहीं होगा, बहुत एक्सपीरियंस अपने को, जिसको एक्सपीरियंस रहता है ना इंजेक्शन लगाने का वही बोलता है अरे कोई दर्द नहीं होगा कोई दर्द नहीं होगा, अरे तुम देखो सही, वो देखो 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 वो देखो देखो वो देखो क्या उड़ रहा है हवा में, देखो 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 धीरे से इंजेक्शन लगा देता है। अरे लाला क्या कर रहे हो, आ जाओ यार कमाओ, यहाँ तो अपनी बंदे स्ट्रेट पुल बोर्ड लगाना पड़ेगा ब्रो, स्ट्रेट पुल बोर्ड लगाना पड़ेगा, लगा ही डालते हैं, पता नहीं अभी लगाने मिलेगा कि नहीं बीच में। बोल्ट असेंबली पेस बहुत हार्ड, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गो टू गेट यू नो अबाउट द गेम। हाँ यार यस पेस थोड़ा हार्ड है, उसका बहुत ज़्यादा ही स्किल का जो स्किल कॉम्बोज हैं बहुत टिपिकल हैं, और आप वो गेम थोड़ा सा एक एनिमेशन में एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन में जाने के लिए टाइम लगाता है, मतलब आप खट 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 एक के बाद एक कॉम्बोज नहीं मार सकते पेस के अंदर स्किल के, बिकॉज आप एक स्किल करोगे तो फिर बंदा थोड़ा सा मोशन में है, उसमें थोड़ा मोशन में रहता है आपका प्लेयर, भले वो 5 स्टार जो भी उसमें कैटेगरी है स्किल हाईएस्ट स्किल लेवल प्लेयर्स की। तो आज इस वाले मैच में कोई नहीं आया लाला, क्या होता है, तो क्योंकि आप एक स्किल आप करोगे तो आपका प्लेयर मोशन में रहता है पेस के अंदर, तो उस आप कितने ही फास्ट कॉम्बोज लगाओ डिले उसमें रहेगा, आप एक स्किल लगाओगे तो वो 1.5 या फिर 1 स्टेप चलता है आपका प्लेयर आगे और फिर एनिमेशन परफॉर्म करता है, तो वहाँ आपको मालूम पड़ता है कि यार एक एनिमेशन से ए भाई पता है सिर्फ मरने आया है और कुछ नहीं करने आया है, वो जानबूझ के वहाँ बैठा है कि जानबूझ के बैठा है। जान मुझके बैठा है, हेलो कैसे हो बाउंसी नाइट, हेलो 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 भाई, सो ऐसा है फीफा में कि आप फीफा में पुल ऑफ कर सकते हो एक के बाद एक, एक के बाद एक,
एक के बाद एक, पर उसके लिए भी आपको ज़बरदस्त टाइमिंग, ज़बरदस्त प्रैक्टिस चाहिए, और वो ये ज़बरदस्त टाइमिंग और ज़बरदस्त प्रैक्टिस उसको चाहिए जो बंदा ऑलरेडी फीफा खेल रहा है काफ़ी टाइम से। तो ऐसे बंदे के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। कोई नहीं आया रे इधर यार, कोई मतलब नहीं मिल रहा स्नाइपिंग का यार। इस वाले मैच में कोई कूदा ही नहीं आई गेस। मुझे लगता है यहाँ पे बंदे तभी आएंगे जब आपका प्लेन है ना यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ही लोग यहाँ पे दिखने को मिलते हैं। मैक्सिमम टाइम हमने देखा है चीज़। सीओडी वॉर जोन बाय करनी चाहिए क्या भाई? वॉर जोन बाय कहाँ करनी है आपको, फ्री टू प्ले है ना, बाय क्यों करोगे? बाय क्यों करोगे आप? जब बंदा दिखता है ना भाग लेते हैं लोग। तो मुझे क्या करेंगे हम अकेले, इतनी देर से टाइम पास भी नहीं हो रहा इधर, तो इधर के खिलाड़ी भगवान जाने क्या कर रहे हैं। मेरे को आ रही गुस्सा, मैं तो जा रहा हूँ कूद के मारूंगा उनको। चलो मुन्ना जाने का टाइम आ गया, लेट्स गो। ऑल राइट पैसेंजर, अब इनकी ठुकाई करने का टाइम है। हाँ बता दे उसको, बता दे कि हम आ रहे हैं चॉपर लेके। हाँ भाई का भी गेम हो गया लॉल। अरे ला 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 ला, फॉल गाइस सीजन टू ट्राई किया? नहीं यार, फॉल गाइस सीजन टू ट्राई ट्राई नहीं किया, पता नहीं मैंने डाउनलोड भी किया कि नहीं, शायद कितने भी गए, कर लेंगे ट्राई। मुन्ना के साथ कर दो ताता तुन्ना। यस, फीफा फ्री टू प्ले है क्या ऑनलाइन पे पीसी पे? नहीं, सब्सक्रिप्शन है अगर आप फीफा पर, महंगा पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन ऐसे लोगों के लिए जो बैटल फील्ड खेलते हैं है ना, ये के बहुत सारे गेम्स खेलते हैं ना, ऐसे बंदों के लिए है सब्सक्रिप्शन। अदरवाइज जाने दो, सब कहने की बातें हैं। ऐसा है भगवान क्या तो मुक्ति लेने इन्हें में PS5 डिले हो गया है, ट्रेडमार्क ऑलरेडी ऑन कर रखा है। अच्छा पता नहीं यार ये टैक्टिक्स है क्या, समझ नहीं सकते हम इसको, बोल नहीं सकते क्या टैक्टिक्स है। जब उस बंदे को मालूम है कि PS1 PS2 PS3 PS4 इन इन नामों से कौन सा प्रोडक्ट बिकता है, तो उसने क्यों कराया PS5 के नाम से, मिस्चिफ करने के लिए या फिर कुछ होगा पता नहीं क्यों, अपने डिले को जस्टिफाई करने के लिए शायद ये चीज़ डाली है उन लोगों ने। हाँ सोच रहा हूँ कार 98 चलाएं क्या, कार 98 कार 98
ट्राई करें, पता नहीं, देखते हैं, चलो एक मैच का 98 ट्राई करते हैं। काफी मजेदार लेवल्स आए हैं सीजन टू में। और हमारा मैसेज पढ़ लो। हाँ पढ़ रहे हैं ना सिद्धार्थ भाई, क्या बात कर दी, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के प्रताप को कहाँ सुन लिया आपने, क्या बताइए उस का। हाँ भैया देखे भैया समा रहे, जो होने वाली का तू है, होने वाली का हम आई। कहीं सुना होगा एक्चुअली। Oh, this car 98 is so bad. No, too slow of a rifle. Medium. Muzzle on the barrel. This one's probably. No. 338. 338 तो बेस्ट नहीं है। Now we do this for real. is not the best. क्योंकि ADS time बहुत लंबा है। जैसे आप बोलेंगे वैसे पकड़ ले हैं, बहुत सा काम। हाँ भैया ये तो ये है। स्क्वाड्स खेलो सबसे ज़्यादा मस्त। हाँ स्क्वाड्स मस्त है यार, एकदम खतरनाक रियलिस्टिक। हाँ तुम जाओ मैं आता हूँ, मैं थोड़ी सी स्नाइपिंग करके फिर आता हूँ। यहाँ पे तो मैं गिरते से मर जाऊँगा क्योंकि बहुत सारे लोग और भी कूदेंगे। तो लेट्स सी, ओ गोली खत्म हो गई, वरना इस भाई का तो गेम तो था ही। भाई मर गया, मैं किसको मार रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा कि आप इतना शीतल मनाई है। हाँ भैया जैसी वाणी बोलिए ऐसी वाणी बोलिए, मन का आप होए औरों को शीतल करे, आप हूँ शीतल हो। ठीक है कि नहीं, सही बताया भैया। कोई है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक दुर्गा, इलेक्ट्रॉनिक नहीं कहाँ से आया ये? अरे यही नाच रहा था ये, बताओ दिखा ही नहीं यार, बताओ इतनी बड़ी इसमें दिखा ही नहीं। मेरा FOV है 114। सैंडस्टॉर्म मैंने ट्राई किया है पर वही है छोटा मैप तो वो मुझे अच्छा लगता, और फिर स्क्वाड ज़्यादा रियलिस्टिक है। हार्डकोर चल जाता है पबजी, ऐसा हार्डकोर चलता है बट वो रियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है, मतलब आप सप्रेस होते हो तो सप्रेस ही हो जाते हो, खतरनाक वाला अंधेरे हो जाता है आपकी आंखों के आगे। बोले ये क्या हुआ यार,
चलो यार टीम का साथ भी दे लें थोड़ा, बहुत हो गई स्नाइपिंग। ओह माय गॉड ये कहाँ से नाच रहा है, दिख ही नहीं रहा, बताओ आज क्या हो गया भाई, बटन दबा तो रहा हूँ मैं। क्या गंदा आदमी है, आज पबजी का सीन है क्या बॉय भाई, आज पबजी तो नहीं खेलेंगे, आज तो कोई सीन नहीं बन रहा, आज तो नहीं। वो मैं खेल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अच्छा आप खेल रहे हो क्या, साहब जी लगा रहे हैं पबजी आज भयंकर। इसको तो मेरे को पता ही है कहाँ है, निपटाता हूँ इसको मैं। Got you. शुरू में खेला कहाँ साहब जी यार। हाँ अरे साहब जी ऑप्टिमाइज ऐसे मारो ना यार, कहाँ ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को, गोली मार रहे हो ठिचुक ठिचुक, एक बार दिख गया बंदा सीधे हेड पे ले जाओ उसमें, यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, ठिस ये मार रहा है फिर ठिस वो मार रहा है, गोलियाँ एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से, मालूम पड़ा क्या, तेरी गोली जो आएगी मैं अपने बैग में रख लूँगा, मेरी गोली तो अपने बैग में रख लेना, क्या है ये बैग है पीछे, ओवरहेड ऐसे यू ही फोड़ डाला उसको, मारा नहीं कह रहा ये लोग, एक तो पार्टनर भी इसमें ऐसे मिलते हैं ना यार। ओ भाई दे दिया इसके किसी ने प्रसाद, कहाँ से पड़ा भैया, यहाँ आ जाओ, कहाँ से पड़ा है, नीचे से क्या, ठीक है नीचे से पड़ा है वो नहीं, चलो निपटाओ साले को। उसको पहले पहले ही निपटा दिया, चलो आर्मर है अपने पास, भगवान जाने किसने सूट दिया यार, असॉल्ट राइफल लेके सूट दिया है, अरे इसको लेके जाओ कोई यार, कहाँ नाच रहा है इधर ये, अरे मालदार पार्टी किधर है, वो और रही मालदार पार्टी, ओ और हेड था यार मालदार पार्टी के ऊपर, ओह माय गॉड मालदार पार्टी, अरे लेट आया वो मालदार पार्टी, मैंने कैलकुलेट किया था कि हाँ इतने टाइम, ओ ये रहा 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 गई मालदार पार्टी भैया, किंग ढेर हो गया है, किंग को ढेर कर दूंगा मैं, खूब माल, माल तो सो कैसे बटोरे, माल उसका ऊपर है, वो वापस स्पॉन होके अपना माल लूटने तो आएगा, हाइपरस्केप का नया सीजन आया, हाइपरस्केप यार कुछ कुछ भी है वो, भगवान जाने कुछ भी है, ओह माय गॉड व्हाट अ हेडशॉट, गॉड डैम कहाँ तुम लगे कूदने लाला,
हेड खा के जाओ. जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट. कम ऑन ब्रो, आई थॉट वी डूइंग 1v1. Oh my god, why are you so scared? Yeah, but man, what the okay. Uski lagan dekho, late gaya bhai. Hey bhai, arma khel rahe kya? Late ke snipe, sabhi cord mein late ke sniping kar raha hai. Usko samjhaye kon jaake kya arma thodi khel rahe bhai. Oh, there you are. Nice bro, nice. Nice. Secure all cache in the area. Oh ho, 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 ho. Wow. Yeah. Short tha ki nahi mast wala, kya bolte le. यही तो बात है, यही तो गेम है. ओह ब्रो, ये गलत है यार ब्रो. अभी क्या बुलेट बुलेट ड्रॉप कैलकुलेशन चालू है अपना, इसलिए बच गया वो बंदा, वरना हेड था उसको भी. टिमटिमाता तारा दिखाओगे तो हेडशॉट ही खाओगे. Stand down. Contract filed. Filed. Contract filed. Stand down. Oh no. What did I say? Oh, Harry, नीचे नहीं आता, नीचे नहीं आता. नीचे ही तो नहीं आना था यार. आइए, वो तो क्या हाल है. Moving. नीचे नहीं आ रहा, नीचे ले आए. Enemy Jiggalo, armor. Enemy Jiggalo. Enemy Jingalala. Enemy UAV overhead. आर्मर में बंदे ही नहीं मिलते घंटों तक. घंटों तक बंदे नहीं मिलते. बट सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला आरपी अगर कोई है तो आर्मर ही है. अगर आपने कभी स्टार्टिंग डेज में आर्मर खेला है, सबसे पहला आरपी अगर कोई है तो वो आर्मर है. ये तो हम आज देख रहे हैं, वहां पे पहले आ चुका था आर्मा में ये सब की मतलब क्या बोलते हैं कि हर तरह के रोल्स, डॉक्टर, मिलिट्री मैन, पैरा मिलिट्री. तो डॉक्टर को बिहेव करना है डॉक्टर जैसे, उसके पास वेपन नहीं होगा वो सब. थैंक यू, थैंक यू फॉर द किल. मैं उस बंदे से मिलना चाहता हूँ कि वहां का मूवमेंट दिख ली भाई, जंगलों में एकदम है. ये थी वेती तो नहीं दिख गया घूमता हुआ कोई. सबसे पहला आरपी मतलब आर्मा 3. कोई है तो सही यहाँ पे, पर आ नहीं रहा है स्कोप में. रेडर में है या नहीं आ रहा. लॉन्ग रेंज, ओ वहाँ है क्या ये लोग भैंडी.
कहीं और जाना पड़ेगा उनको मारने के लिए। तो रेडार में ये बंदे दिख रहे हैं। ओ तुम लोग वहां चले गए फाइट करने, चला आ रहा हूं मैं। थोड़ा MP7 का भी कमाल दिखा दें। डॉक्टर सुनी यादव मेरे वहां लकी लोकेश, वहां क्या चलता है? गाड़ के झंडा ले चली जहां गायल संसार में। जय हो यूपी। आराम से रिलीज में है उसमें, जिसमें प्राइवेट सर्वर बनता है। बहुत सारे उसमें मॉडेड मॉडिंग प्राइवेट सर्वर, वो एक्चुअली मैं मॉडेड सर्वर की बात कर रहा था जहाँ पे RP होती थी। मॉडेड सर्वर में लोग मस्ती से आरपी बना के खेलते थे। नया कुछ भी आया? अभी कुछ नई DLC आई ना साहब? आर्मा में भी अभी आर्मा में अब DLC आ रही है साहब जी? हाँ, अब कुछ आया नया मेरे को तो। अच्छा, नया कैंपेन है स्टोरी या कुछ DLC है कुछ? अच्छा, आज भी देखो ना वो 1500 के नीचे 2000 के आसपास ही रहता है वो गेम, कभी नीचे नहीं जाता। हाँ ये तो है साहब जी। जय बात। साल में एक बार उसमें डिस्काउंट मिलेगा, वो भी मैक्स टू मैक्स जाएगा भी तो 1000 के आसपास या 1200 के आसपास। ये तो से हो जाए फिर। BR यो टाइम क्या हो गया? 7-8। ओके BR proper warm up। चलो get yourself a proper warm up, proper warm up ले लें अपना। राजीव में हिंदी सब आएंगे सर? वॉइस ओवर हिंदी मजा आ जाएगी साहब जी। सब टाइटल की वॉइस ओवर पूरा नहीं, वॉइस तो इंग्लिश में रहेगा। अभी तक तो यही सब आएंगे हिंदी में, मजा आ जाएगी साहब जी। मजा ही आ जाएगी साहब जी। कंसोल में और उनमें थोड़ा बाद में आएंगे, इसी में रेडी। Play time's over, mate. You're going to the war zone. कंसोल में बाद में आएगा सबटाइटल्स? हाँ मतलब अभी हिंदी PC के लिए तो रेडी हो गया शायद। सबटाइटल्स हाँ PC के लिए रेडी है। सोहम देशमुख, हेलो, कैसे हो, क्या चलते ला, क्या हाल चाल ब्रो? स्क्वाड 2020 का ट्रेलर देखा है? हाँ स्क्वाड 2020, यस देखा ना, अच्छे से देखा, गेम प्ले देखा अच्छे से समझ के। टू हार्डकोर, टू रियलिस्टिक, हार्डकोर नहीं रियलिस्टिक बोलना चाहिए। वो बुरा ही नहीं है, डेवलपर्स का जो सपना है वो पूरा कर रहे हैं उस गेम के साथ में। अब तो जाके वो अर्ली एक्सेस से निकले हैं बेचारे 7 साल बाद, तो ये बुरी बात नहीं है, इट्स अ गुड थिंग कि भाई कोई गेम बना है 3 साल बाद डेवलपर्स का सपना कंप्लीट हो रहा है, अच्छा लगता है सुन के। अरे यार वो पहले उड़ जाता है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। मैं सोचा कि उस वो पहले आके बैठेगा फिर उड़ फिर उड़ स्टार्ट होगा, पर मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि इसमें दौड़ते दौड़ते आप चौपका चौपर उड़ने लगता है।
आर्मर तो गया है उसका यार, अब तो भागी लेगा ना, वो बचेगा थोड़ी। ये विजुअल बगे, ये बुलेट ट्रेस जो भी है। VR sweaty solos, that means VR का मतलब है कि हार्टबीट सेंसर। बस बेटा एक जगह रुक जा, तू बता दूं तेरे को। एंड UAV ये पड़ी रनिंग में पड़ी, खतरनाक कैलकुलेशन। वाओ किल कंफर्म्ड, कैलकुलेशन क्या जबरदस्ती है। हेडशॉट, मैंने बोला पहला वाला शॉट मैंने ज्यादा लीड किया था, तो आपने देखा कितनी दूर गया उसका ट्रेसर। दूसरा वाला शॉट ये प्रूफ करने के लिए मैंने कम लीड किया तो हेड पे लगा, इससे ये प्रूफ होता है कि ट्रेसर का एनिमेशन अलग जा रहा है, बुलेट अलग जा रही है। ये अभी भी बग है इसमें, ये प्रूव हो गया राइट नाउ। और व्हाई द हेल मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, ये स्ट्रीम से निकाल लेंगे, बट आओ मैं रिकॉर्डिंग ऑफ क्यों है। अभी भी ये बग इन्होंने सही नहीं किया है, बस लोग क्या सुन सुन के खुद की टेस्टिंग करना नहीं, एक दूसरे का चिल्ला चिल्ला के बोल देंगे और जी इसमें बग है। हाँ एक दूसरे का सुन के चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, खुद की टेस्टिंग कोई नहीं करता। ए बेटा तुमको तो बताऊंगा भाई। बैटल नेट कभी बोले ओ भाई, क्या कूदा है, क्या कूदा भाई, क्या भागा है जान बचाने के लिए, अपनी सिर पे पांव रख के भागा भाई। कम ऑन यार, आई लव लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग, आओ यार दोस्ती बढ़ाओ, कम ऑन। बार बार क्या अंदर घुस जाते हो यार। हाँ वो सही जगह तुम्हारी, बाहर आओगे तो फटाक दनी के पड़ेगा, भटाम दनी के। अरे भाई हमको पड़ गया, रिवाइव कर दो। आ रहा है तुम्हारा पार्टनर, क्या करेगा तुम करोगे बड़ा, जाके मार उनको। हाँ गुड भाई, किल कर रहा है अपने लिए, देखो तेरम भुराट। PS5 ले ही रही थी भैया, हम कहीं किला ही लिया, पहले नंबर बताए थे, किला ही लिया, रुका जिन और करे बरे लाइट डाला होगा। अजी हेडशॉट पड़ गया, हमको पीछे से आकर रिवाइव कर दो। Oh no! एक नंबर शॉट। अंश मेरे भाई कैसे हो? पबजी पीसी बीटा में न्यू मैप आने वाला है शायद, क्या विचार है सिद्धार्थ रावत भाई? हाँ पनामो टनामो खेलेंगे पनामो। Just like that. खड़े होने दो भाई हमको। अरे भाई सुमड़ी में भाग लिया अंदर, वो टावर में।
अरे लाला, दोनों कूद लिए नीचे, बताता हूँ इनको। भाग लिए भाई, लंबाई भाग लिए, लंबाई भाग लिए। उनको स्नाइपर का टिमटिमाता तारा ऐसा दिखा कि ऐसा भागे ना वो अंदर गली में। सारे बंदे बिल्डिंग छोड़ रहे, बोले यार बिल्डिंग छोड़ो यार, बोले कोई ना कोई स्नाइपर दी मारेगा। आया एक बंदा आया, अरे पूरी स्क्वाड आई, रुको रुको। हाँ खड़ा जा बेटा, देख ओए हमको पड़ गया। अरे तो दूसरा भी तो आओ, तभी तो मजा आएगी, एक साथ तीनों डाउन हो गए तभी तो मजा आएगी। देखते हैं कि क्या विचार चल रहे हैं। और जी अब है ना अंदर चलते। अरे हिलो मत लाला, हिलना नहीं है, हिलने की बात नहीं है। देखो यार लड़ा आया। वो बेचारा रस्सी पकड़ के ऊपर गया। रुको इसको भी देता हूँ। आया ए, अरे हिल गया, तेरी आर्मर लूटने आया था ना। एक और आया, ये पंटर आया। अरे पंटर खड़े तो रहो दो मिनट, इतना बतिया होती बाप रे। ठीक है सस्ता देखी कहाँ मिलत है भैया, ले लिया चूके जिन बता दे तुम। तुम यहाँ आए तेरी। वो खिड़की में झांक के मार रहा था जैसे हमको दिखेगा नहीं। तू भैया हम सब जाने थे, आओ फिर बताओ तो का। एक छुपा राहुल ले लिया चाही, वैभव वीर मेरे भाई क्या चल थेला, क्या हाल चाल। आर्मर ही है सिर्फ, बेचारे का आर्मर क्या है सिर्फ। कम ऑन स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर, close call. अरे हिलना नहीं यार, इतनी मेहनत करके हम एंगल चेंज कर रहे हैं तुम हिले जा रहे हो, क्या कर रहे हो यार। हाँ मजा आई, मीठा मीठा। डाउन की किल नहीं मिलती यार, वरना भी अपनी 15 किल तो होती है आराम से। Look at this man guys, someone is not supporting all the other nice thing, they're missing a lot, lots of love, pranam. So that's why thank you, क्या बात है। Oh my god! You need more bro? Take this. Just like this. Oh, bro, there you are. You are with me. Let's go. Let's go. ये मेरी स्नाइपर प्रैक्टिस करवा रहा है यार, अच्छी बात है यार। कितनी बार, ये अकेला बंदा ही 4-5 बार डाउन हो गया। ओके कितनी हिल्लम डुल्लम को, उड़ गए चीथड़े, उड़ गए भाई स्ट्राइक आ गई, लो चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए गए हैं, एक बचा है इसके, इसके चीथड़े हम उड़ाएंगे अगर मौका मिला तो। अंदर भाग लिए,
अरे यार क्या चिथड़े उड़े भाई। शुभरांति दमनजीत सिंह भाई बहुत थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, क्या बात है। अनदर गेम अनदर गेम। You deserve that. दे भूपिक और इसको देता हूँ भूपिक। भूपिक पड़ी भाई को 20 स्किल तो हो गई हमारी ऑलरेडी 20 स्किल कर चुके हम पर साले रिवाइव हो जाते हैं। ओ भाई कौन है दो किल मिल गए हमको डायरेक्टली वहां। ओ हो दिस स्नाइपर इज स्टिल अ बीस्ट। बहुत मजा आया इस बाराती वाला पुनाली नहीं है चलो जी खोल के मारा धुआं धुआं हो जाए। एयर स्ट्राइक ओपी लेट नाइट तक जग जाऊंगा मैं। नाइट गेमिंग यार नाइट गेमिंग नो नाइट गेमिंग मतलब मेरे लिए तो नो नाइट गेमिंग इसलिए नो नाइट गेमिंग एट ऑल। Whoa, there's a guy there! How did I miss? Thank you. Thank you so much. Oh. I see you. I see you, brother. Stand still there. Come on. Don't. Oh no. Take this one. Oh. Okay. Oh yaar maza aa rahi thi kitne. Kitne headshot das to bhupik diye ek ke baad ek. Kya ho gaya? i3 10 gen motherboard S410 मेरे को motherboard का idea नहीं है 10 chipset अगर board का आपको ध्यान है कि 10th generation में चलता है then that's good. 1650 super. हाँ चलेगा पबजी पी सी यस बिल्कुल चलेगा साउथ शेक चलेगा चलेगा बिल्कुल चलेगा। बख्श दो उनको। अरे वो तो दौड़ा भागी कर रहे थे यार वो अगर यहाँ वो थोड़ा बहुत भी चेक करने आते ना तो और कुटाई हो जाती उनकी। वेपान टोकन्स एक बार हम वो लगाते हैं यार चलो देखें जरा क्या है। बट ना ठीक है अलग अलग मिल रहे गेस ठीक है पर मुझे ये देखना होगा मैं पहले कौन सा उठाऊंगा लेटर ऑन मुझे कौन सा उठाना है घोस्ट स्नाइपर वाला M13 स्नाइपर होस्ट तो मैं काम करता हूँ मैं फटाक दनी के मैं फटाक दनी के मार्क्समैन में M24 व्हाट ठीक है और सप्रेसर आउट ग्रिप इन दैट्स इट That's it. Ghost. That's it. Then what I should be doing here is... ठीक है, I guess yola. Roll out. क्या खुला है LMG में? कोई नई स्किन आई होगी? Crossbow.
SMG crossbow. ठीक है, बाद में चेंज कर लेंगे होगा तो. चिंग 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 डिंग डिंग चिंग. आज कितना जी भाई, कितना पैसा PS5? हाँ मजा थे का. हाँ मैं तो मंगाऊंगा सिद्धार्थ भाई. कितने का आएगा मुश्किल है, बट ये है कि 55-60 के बीच में होगा. 55-60 के बीच में. बाहर सस्ता पड़े तो यहाँ पे अगर वारंटी नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. सस्ता तो मिल ही जाए, फिर वारंटी का क्या? ऐसा वारंटी का चक्कर फंसेगा. अरे यार 150 की पिंग यार, क्या है ये? यहाँ कोई खेल नहीं रहा है क्या एशिया में? PS का गेम बहुत महंगा आता है. हाँ ये तो है ना भाई, महंगे तो एक्सबॉक्स के भी आने वाले हैं, पर एक्सबॉक्स के पास सब्सक्रिप्शन सिस्टम बहुत अच्छा है, उसके अंदर वैल्यू बहुत है. सोनी के पास सिर्फ वही है वन टाइम बाय, लेके पड़े रहो उसको, रोते रहो. और ये बैटल रॉयल मुझे ध्यान रखना होगा, आई एम प्लेइंग बैटल रॉयल, बैटल रॉयल, बैटल रॉयल खेल रहा हूँ मैं, बैटल रॉयल. पिस्टल का एमो खत्म कर दोगे लाला, तो गोली कहाँ से चलाओगे? एक बंदा आ तो रहा है ऊपर. लेट्स डील विद हिम. Seriously? कहाँ गया कूद के? यहीं तो था. मैं हारा. P90. अच्छा और मैं उसी चला रहा. कहाँ पद्दू शाम गन ले ली मैंने. एडवेंट टूर भाई, अल्लाह बैटल रॉयल. तो उजी को डाला क्यों इन लोगों ने, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है उजी क्यों डाल रखा है. P90 क्या उजी चलेगी क्या? कहाँ P90 का फायर रेट और कहाँ पद्दू छाप उजी. वहां जाने मुझे कौन सी असॉल्ट भी मिली थी वहां पे M30. हम कंट्री ट्रांसफर वाला स्कीम बोलेंगे, खरीदा है US में, जा रहे हैं घर को, सो वारंटी मिलना चाहिए. आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल सिद्धार्थ भाई, ऐसा होगा नहीं. आई एम 99% श्योर. पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट अगर 2020 की पॉलिसीज चेंज हो गई हैं तो दैट्स गुड. अगर होता है तो बहुत सही बात है, मतलब मजा आ जाएगी. What could be more better? ऐसा हो जाता है तो
रेंडर होना ही बंद हो गया वो तो बंदा, जबकि है वहां पे वो। ऑडियो ही नहीं आ रहा यार, क्या सुनेंगे और क्या मारेंगे। तो ये वार्डों की बहुत गंदी आदत लगी है यार, फिर से मैं गंदी आदत सीख रहा हूँ। स्क्रॉल व्हील नहीं दबाना, so closing in here, that's good. Anyone need this? I was supposed to bounty anyway. Ah, Uzi to maha bakwas hai. Uzi bakwas hai, kyunki वो माइक्रो उजी नहीं है, इसीलिए तो उजी बकवास है लाला। टाइम है मेरे पास, माल इकट्ठा करना होगा। इकोनॉमी गड़बड़ा गई है, क्या हुआ? कैनॉट, क्या बोल रहा है? कैनॉट, कैनॉट कैरी मूव एम। ओके हाँ, वो समझ में आता है, उतना समझ गया मैं। ओ खुलता है क्या? मुझे लगा ओ हो हो। Where is the supply box located? जहाँ से आए वहीं supply box located, ओके okay. जाएंगे हम, आर्मर का एक टुकड़ा भी नहीं है यार फाइट करने के लिए। सब आ रहे हैं गुलाग से, हवा में सब कूद रहे हैं गुलाग से। भाई क्या चेंज होता है इसमें गेम का पेस। एलएमजी है, सॉरी एलएमजी, क्या पेस चेंज होता है इसमें गेम का। सर दुखाता है मॉनिटर अनाफ शनाम। एक्चुअली मैं बंदा था क्या? आर्मर लगा लिया साले ने, वापस तो आता ही होगा। इसी की आवाज़ आई थी मुझे एक्चुअली। ये बेचारा भी क्यों आ रहा है? उसके पास उसी है इसलिए, इसीलिए आ रहा है वो। बहुत दूसरी लेके घूम रहा है, चलाओ ये भी साले। लिटिल लिटिल माल मिल रहा है हमको, लिटिल लिटिल, हमको लिटिल लिटिल माल नहीं चाहिए। स्नाइपर, आई डोंट रियली थिंक आई नीड दैट स्नाइपर, प्रोबब्ली आई नीड इट बट आई डोंट थिंक आई नीड इट बट आई एम गोना टेक इट एनीवे। ओह भाई ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से? ये अच्छा लगा, बट हम ऊपर कैसे जाएंगे? Enemy UAV overhead. अरे यूवी चला दी इसने,
loadout top inbound. Where at? चलते हैं भाई लोड आउट लेते हैं अपना कोई भी हो सकता है गिरा भी ओपन में हाँ लोड आउट M13 ट्रेन्स है बंदा स्पेशली हमारे लिए आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक क्योंकि मैं अभी ओवर किल लेके घूम रहा था मुझे एक लोड आउट और मंगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे घोस्ट चाहिए ये सब हाँ सारे प्रो प्लेयर्स से बचने के लिए मुझे घोस्ट चाहिए यार दे हार्ट बीट दे यूएवी हार्ट बीट में तो नहीं यहाँ भी जाऊँगा मैं सबसे पहले मुझे चाहिए आर्मर आर्मर है नहीं आई एम शॉर्ट ऑफ वन आर्मर शिट बहुत जल्दी मरूंगा मैं मेरा आर्मर खत्म हो गया सबसे पहले आर्मर जुगाड़ना होगा आर्मर अब मैं सुपर लकी होऊंगा तो ही बचूंगा बिना आर्मर तो कैसे बचूंगा एक पीस दे दो भाई एक पीस चल जाएगा मुझे चल गई यूएवी ये तो चाह रहा था मैं यूएवी चला दो फटाफट मेरी फेवरेट क्या है आर्मर ही नहीं है मिला 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 दैट्स ओनली वन एनिमी यूएवी ओवरहेड हाँ चलाए जाओ यूएवी चलाए जाओ ब्रो चलाए जाओ यस सर्कल आ रहा है एनिमी यूएवी ओवरहेड थैंक यू सो मच ओह तुमने सारी चीज़ दे दी ये मुझे ही ढूंढ रहा था बेचारा हार्ट बीट से देखा हार्ट बीट से मुझे ही ढूंढ रहा था देखा कैसे चल रहा था ये इसकी प्रो मूवमेंट देखी ऐसे प्रो से मुझे बचना है भाई ऐसे प्रो पूरे गेम में मिलेंगे वही मुझे अच्छा नहीं लगता है पूरे गेम भर मुझे ऐसे प्रो से बचना है ये तो पहला था सारे के पास सेल्फ रेज है
UAV overhead. किसी की आवाज भी नहीं आएगी, कोई स्नीक अप कर गया मेरे पे तो। Enemy precision airstrike. Take cover. Gas is closing in. Relocating the safe zone. तो UAV भी नहीं अपने पास। मेरा फुल फोकस इसी बंदे पे है, जो कि गलत बात है। आगे पीछे मुझे देखना चाहिए। साला गाड़ी लेके निकला है। फट्टू कहाँ भाग रहा है? फट्टू है तो भागे गई। Anyone need this? Mark out. Moving. Shit, सब चल गया। इसलिए फट्टू भाग रहा था। I should run too, but speed मेरी बहुत slow पड़ेगी, mask भी नहीं है। Circle पे ध्यान देना चाहिए था। किसी छत पे जाके कूद जाऊंगा तो काम बन जाएगा। और FPS game बहुत अच्छा खेलते हैं, FPS में मजा आ जाती है। FIFA मेरा out of touch है, otherwise FIFA में भी कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं अपन। सालों से नहीं खेला ना FIFA। कोई ऊपर हो ना, बस कूदना है हमको। हार्ट बीट लगानी चाहिए थी यार। अच्छा, उधर टाइम बीइंग बच गए। किसी गोद में आके ना बैठ जाए भाई, सूद देगा तो बंदा। ऊपर है क्या कोई नाश्ता हुआ? गेस नॉट। चला दो सब, यू भी चला दो भाई। फीलिंग आ रही है मुझे इसी बिल्डिंग में चली गई। शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल। और कितनी गोली, दो अलग अलग हो गए। टू सेपरेट एनिमीज, एक लेफ्ट वाला देखिए। अरे चल भाई, फर्स्ट शॉट नहीं लेना, बस अंदर ही गया होगा आई गेस। व्हाट, दिस इज हाउ यू डाई ब्रो? व्हाट वाज द प्लान?
Oh, did he? Rend is here if you got the cash. All right, strap it. उजी क्यों चला रहा है भाई, समझाया मैंने पिछले मैच में इसको, समझने को तैयार नहीं है। पिछले मैच में यही समझाया मैंने। Too slow, you're going too slow. चला दो अभी और पड़ी मेरे को कहीं ना कहीं से। एंडी भाग ले बेटा, शांति से बैठ के साला हार्ट बीट भी नहीं देख सकता मैं। ओ मैं तेरा गुलाग बे, कौन से वाले बता? अरे नो, अरे गन लोडेड नहीं थी क्या यार? भोंदू MP7। अरे नो गोलियों में भी मर जाता यार मैं बस। आर्मर तो गया ही था उसका, मुझे रीलोड नहीं करना चाहिए था। घोस्ट वहां मैं लोड आउट लेने ही वाला था, फिर स्नाइपर दिख गया, मैं लोड आउट लेने ही वाला था। ये तो गलती हो गई। लिमिटेड डेटा वालों के लिए कोई मेथड है गेम डाउनलोड करने की? ये तो क्या मेथड बताएं, इसमें क्या मेथड हो सकता है? No methodology, no methodology. हर एक कदम पे एनिमी यूएवी ओवरहेड। यस, इनको हटा ही देना चाहिए यार, जरूरत नहीं। आप प्लंडर में चलाने दो यूएवी बंदों को, आप इसको रहने दो। अगर आप इसको हार्डकोर एक्सपीरियंस, हार्डकोर तो क्या बोलेंगे जिस गेम में रिकॉइल नहीं, वो हार्डकोर हुआ नहीं, बट क्या ही बोले। What to say? खैर वहां तो मेरी अनअवेयरनेस की वजह से आ रहा हूं मैं, बट मेरी गलती की वजह से आ रहा हूं मैं वहां तो। Totally my fault. It's totally my fault alone.
कहाँ जा रही, कौन ले आ रहा है गोली मेरी हवा में? FIFA 21 कैसा लगा मुझे? बहुत डिसअपॉइंटेड भी हूँ मैं खतरनाक तरीके से, और ठीक ठाक खुशी भी है मेरे अंदर फीफा के लिए। ठीक ठाक खुशी और अनलिमिटेड डिसअपॉइंटमेंट एज अ फीफा फैन, एज अ फुटबॉल फैन, दोनों हैं। मतलब दोनों चीज एक साथ। Play time's over, mate. You're going to the war zone. ये गेम नहीं SSD ड्राइव है। SPR 208 कैसा है भाई? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मजा आ गई मुझे, शानदार। Secure more cash than the enemy. Secure more cash, TNT. ये नहीं है, ये नहीं है। यहीं पे जा लेते हैं अब। यहीं पे मर लेंगे सबसे पहले। गया था लौंडे, तुम भी गए थे। मारो दोस्त, हमें रिवाइव करो मित्र। आओ, तुम यहाँ हो ही नहीं, कहाँ से रिवाइव करोगे? आपने यही लोड आउट लिया है क्या? यही लोड आउट, मतलब यही लोड आउट। ये भूपिक, और लाल बहुत टाइम लगाते हो तुम। ओ ये जहाँ पे कूदा है ना, वहाँ पे भी स्नाइपिंग स्पॉट है यार। हाँ यहाँ पे बंदे आते रहते हैं। चलो फिर चलो। बिहाइंड यू, बिहाइंड यू। हॉस्टाइल्स इन द एरिया। रुक जाओ लाला। You'll be all right. You'll be all right, brother. You'll be all right. Ew! Enemy dropping. ऐसा क्यों लग रहा है तुम हेडशॉट खाने के लिए बने हो? You're okay. Get up. मुझे बताओ दे लाला। कौन है भाई? कौन है इतना बड़ा गिलिंडर? हम भी देखें भाई। अच्छा है, गिलिंडर इज डाउन। नकली गिलिंडर। मेरे मारने के पहले ही मर गया। Headshot. तुम भी ले लो एक। अरे वहां पलट कहां गए? अरे एक मिनट यार। पीछे तो पलट के आएगा ये, हमको ही मारने आएगा।
Shubhankar Games भाई हेलो क्या चल रहा है ब्रो Thank God. Bro, I need armor. आदित्य मॉडल भाई बहुत थैंक यू 90 रुपीज के सुपर चैट के लिए क्या बात है क्या चलते ला ब्रो पूरा हिला के चले गए बिल्डिंग का फाइट चल रही है मतलब यहाँ पे ओ मुझे एक बार मरना ही पड़ेगा लगता है मेरे पास एमो जो नहीं है ओ क्या शॉट है अरे मार दिया लौंडे हमने मारा है सर आवाज आ गई थी मुझे इसकी एनिमी ऑन मी ब्रो एनिमी ऑन मी इम्परफेक्टली परफेक्ट भाई हेलो बीच हवा में मृत्यु के शैया पर लेटा दूंगा मैं क्या डाला हूँ ये मजा आ गई सही था ये लेटेस्ट इसको भी मार के आ गया हूँ बिना फुटस्टेप्स वाला टैटू यहाँ था ना वो इसको देंगे हम लॉन्ग रेंज प्रसाद दिया जाएगा इनको लॉन्ग रेंज वेरी लॉन्ग रेंज टीममेट निकल लिया बेचारा बहुत मार पड़ रही होगी उसको अकेले वाले कौन मार खाए दुष्ट पापी पीछे से मारता है लेफ्ट द गेम योर नकली टीममेट लेफ्ट द गेम आप यू भी चलाते हैं कहां से पाते हैं आर्मर प्लेट मिलती है इसमें डेट आर्मर प्लेट मिलता है उस बंदे को अगर मारने का मौका मिले हमें दोबारा तो हम लेना चाहेंगे बट मुश्किल है थोड़ा होगा नहीं अभी तक वहाँ पे वो मुश्किल लगता है इस जगह एक ही मौका मिला था अरे कूद गया चलाओ सारे यूएवी एक ही मौका मिला था अब तो मैं अकेला ही हूं तो मुझे कुटाई करनी पड़ेगी किसी की भी जिसको पाओ उसको सूद दो
हिमांशु को सामने भाई क्या चल थेला इनका निपटारा करना होगा हम भी चलाएंगे ये भी ready for recon flyover UAV entering the AO इसको निपटाते हैं तीनों को मार पाऊंगा क्या मैं देखते हैं उनकी भी तो ये भी चली पड़ी है वो तो मुझे देख लेंगे पहले ही Frick. That's all you did. क्या गंदा फ्लिंच है यार भोंदू साले इस मैच इसको भी ये लोग विदाउट स्नाइपर बनाना चाहते हैं गेम को बंदा स्नाइप ना करे एम एम जैसे आप सर पे ले आ रहे हो एम झटका दे रहा है सर से ताकि जिनकी टट्टुओं की मूवमेंट नहीं है ना वो उनको फायदा हो जाए और अपनी लेजर असॉल्ट से मारें सब समझ में आता है इनके चतुर प्राणी बनते ना लोई सा जल्दी से बाय स्टेशन जाना चाहिए बाय स्टेशन मार्क करके पैसा उड़ा देते हैं हवा में अकेले तो हम जीतेंगे क्या ओवर टाइम चल रहा है अभी तो जीतने से तो रहे बट वही सोलो खेल रहा हूँ मैं तो सोलो प्लंडर तो कैसे जीतोगे प्लंडर ओहो यहाँ तो पूरी पूरा भीड़ भड़का होता है यहाँ पे तो हो गई होगा मेरे पास आर्मर भी नहीं है ऊपर चेक करके आते हैं आर्मर है भाई RTX 20 सीरीज सही रहेगा बोलूँ कहीं मिल गया RTX 20 सीरीज हमारे यहाँ सही रहने वाला है यार कोई रेट में कहाँ फ़र्क पड़ेगा हमारे यहाँ एक ही चीज़ जो वायबल है अभी राइट नाउ अपने आप बचती है जो वायबल वो है सिर्फ फाउंडर्स एडिशन उसके अलावा कुछ नहीं बिहार में क्लचेस देखने हैं बिहार में क्लचेस यूएवी में क्या क्लचेस मिलेंगे यार
मैं वन शॉट हो जाऊंगा यहाँ से। बताओ यूएवी में क्या आदमी क्या क्लच मारेगा यूएवी में। क्या था वो? अरे बलून। हाँ ले जाओ। मुझे लगा था वो लोग भी आएंगे चढ़ के ऊपर शायद, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, चढ़ के आए नहीं वो। एक आर्मर चाहिए मुझे। ओश हाँ मतलब अब तो 30 सीरीज ही लो, भले 30-70 लो या फिर 30-60 के लिए वेट करो, 20 सीरीज का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जनरेशनल लीप है ना, अब जनरेशनल लीप आ रहा है इसलिए। मोहम्मद शाहबुद्दीन भाई हेलो, क्या चल थेला। अल्फा मुस्किल्स गेमिंग से ज़्यादा एनिमेशन में यूज़ हो। हाँ तो फिर ज़्यादा रेंडरिंग में फ़ायदा चाहिए, तो रेंडरिंग में भी अच्छा है, 50% अपलिफ्ट है, एडिशन है, तो डबल रेंडरिंग होगी। जैसे अगर कोई वीडियो 10 मिनट में होता था तो पहले 5-5.5 मिनट में होगा, अच्छी बात है। जैसे इसको आधे घंटे लगते हैं तो उसको 15-16 मिनट लगेंगे, तो लंबी लंबी वीडियो फाइल्स जिसको रेंडर करनी होती है उसका टाइम बहुत बचता है नई वाली सीरीज़ में। PS5 कुला देखा आपने? हाँ PS5 देखा ना मैंने, ओपनिंग यस, कैसा दिखता है, क्या है अंदर बाहर से देखा। अरे यार ये 200-200 की पिंग में जाके मरो जाके, यार क्या है ये, पागल है क्या? हमने ठेका लिया साला हाई पिंग में खेलने का, हर गेम में नहीं खेलना भाई। 150 की पिंग समझ में आती है ऐसा क्या होता है? अभी तक सिर्फ 20 सोच रहा था, लेकिन 30 सीरीज ने हॉच पॉच कर दिया है। उनका काम ही यही है यार, नई सीरीज लानी है तो उनका यही काम है आपको फील कराना पुरानी सीरीज हो गई आउटडेटेड। अब चाहे वो कैसे भी फील कराएं आपको। ऑक्सीडाइज पहले मेरी ये वाली थी, राइट नाउ ये वाली है ऑक्सीडाइज। कितनी बकवास है, बट लगा लेते हैं चलो।
oxidized. Actually legendary hai. Dikhti gandi but legendary hai. Preview watch. Yes, preview watch, bro. Aisi watch dikhegi meri. Oxidized. आपका रियल नाम क्या है? मेरा नाम है राहुल पांडे और काम है बर्तन हांडे. PUBG 9 सीजन 9 आने वाला है. हाँ यस, सीजन 9 आने वाला है. ट्रेलर मैंने देखा नहीं. दैट्स गुड, ट्रेलर आ गया तो ये तो और भी अच्छी बात है. बट एशिया में सिर्फ सोलो में बॉट्स और चीटर्स इनका राज है अभी तो. अरे भाई 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 उसको मरना ही मेरे हाथों था. तो दैट्स गुड, अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा. आदित्य यार हेलो. गंदी दिखने वाली लेजेंडरी है. वॉल्केनो में आपको चाह रहा है, मतलब वॉल्केनो हो जाएगा. Secure cash by completing contracts, looting or eliminating targets. All right, soldier. Mark a drop point. All right, soldier. स्टोरी मोड गेम प्ले में आज भी देखता हूँ. अरे स्टोरी मोड में घुसना तो है वापस. यहाँ वहाँ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे जाओ तुम लोग, हम तो यहाँ जाएंगे. देखो सबको मार के आएंगे, अकेले सोलो मुश्किल है वैसे, इसलिए हम यहाँ जाएंगे. क्यों वहाँ सारे जा रहे हैं तो वहाँ हम लोग सुमड़ी में चिपकाएंगे हेडशॉट. देखो कितना गंदा फ्लिंच है यार, फट. जिस डेवलपर ने ऐड किया ना, दो लपड़ी मार दूं साले को जाके मैं. एक तो साला लेजर वाला गेम है बिना रिकॉइल का, उसमें फ्लिंच ऐड कर दिया स्नाइपर के अगेंस्ट. एम को धक्का लगाता है यार, हद हो गई. एक तो वैसे लेजर गेम है, एम को धक्का लगाएगा आपकी, क्या करेगा बंदा फिर. फोकस लेने के बाद भी कुछ नहीं होगा, ये बहुत हार्ड है, फोकस से भी बात नहीं बनेगी. और यहाँ कहाँ आ गए यार. पहले थोड़ा आर्मर इकट्ठा कर लेते हैं एटलीस्ट, थोड़ा सा एटलीस्ट. सब बाजू में ही नाच रहे हैं यार. UAV overhead.
16 घूम रहा था ये। इसके यार दोस्त कहाँ है? कहाँ गए तुम्हारे यार दोस्त? मोनिका वर्मा हेलो हेलो। लोड आउट की तो हमें जरूरत नहीं है। एंगल है क्या ऐसे? कौन बंदा यहां से छत पे से मार रहा है? यहीं से मार रहे हैं लोग। तो नहीं दिख रहे। अल्ट्राफ चलो इनके पास भी थोड़ा चलते हैं यार। टीम के पास बेचारे मार खा रहे हैं लोग। ओह प्लेन जी आवाज थी। ओह माय गॉड मैं शॉट क्यों लग रहा है उसको? बंदे को क्या कर दिया ऐसा इसने? अरे फर्स्ट वाला बस तो लगा ही नहीं उसको। व्हाई द हेल? ये लोग यही घुस रहे थे। दिमाग लगाया नहीं भाई कुछ मारो उसके ऊपर फिर घुसो अंदर। ना स्मोक फेंक रहे ना कुछ फेंक रहे बस घुसना है अंदर जाके। लूट तो रखा था उसने। एनिमी यूएवी ओवरहेड क्या मतलब इन सब में? अच्छे अच्छे वेपन्स पड़े हैं अपने पास। सही ठीक है भाई। चलो बाहर निकलो यहाँ से। ये अच्छी जगह नहीं लग रही हमें। Not a place for you. Let's go. Let's get out of here. Enemy attack chopper is in the AO. Bring it down. Oh! ना अटैक करेंगे लोग यार। ओह व्हाट स्नाइपर हमें जाना होगा हमारी स्नाइपर लोकेशन। हेडशॉट मारने यार पहरिया।
open up. Enemies in the area. Enemies in the area. Back it up. Spotted a care package. Grid marked. Go for close air. This is Tracker 3-1. Good copy. Strike him. Hostile dropping into the area. Enemy UAV on the head. Impact. No joy. Enemy soldier incoming. Okay. Joke's over. क्या था जो is about to end. जिंदा कैसे हो यार? How are you जिंदा? Enemy soldier incoming. हम हैं उड़ता परिंदा. मरा कैसे नहीं है? Found some cash here. Cash. पीछे ड्रॉप होंगे यार सोचना चाहिए था ना. On the yeah behind you left side. दोनों ही अरे सड़क पे ही दौड़ रहे हैं दोनों. वाओ क्या टीममेट भाई. God of War Ragnarok खेलोगे क्या? नहीं यार क्या खेलेंगे Ragnarok. क्या रखा है Ragnarok Ragnarok. ये लोग यहाँ से मार रहे हैं इस बिल्डिंग में से. हाँ इनका इतना हिम्मत हिम्मत इनका हौसला अफजाई कौन कर रहा है? मैं इनको दूँ क्या लॉन्ग लॉन्ग यहाँ से लॉन्ग लॉन्ग देता हूँ इनको यहाँ से लॉन्ग 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 माय फ्रेंड. व्हाट लॉन्ग लॉन्ग तो रेंडरिंग इशू देखो साले का. रनिंग टारगेट मैं सोच रहा था कि मैं यही सोच रहा था कि ऐसे शॉट्स लेने मिले तो बात बने. देखो आप ओ तेरी गया और रिवाइव करने गया. एक शॉट मारा भग लिया. आओ तो सही स्नाइपिंग देखे तुम्हारी. बंदर छाप स्नाइपिंग कर रहे हो. ओहो अरे बहुत दूर पड़ता है अभी टोकना तो ही नहीं हुआ. कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग रेंज हो गया है. चलेगा बट कितना भी लॉन्ग रेंज हो चलेगा ठोक देंगे हम.
और ड्राइवर मैं थोड़ा पहचान गया था, ड्राइवर बैठेगा। ओह पड़ी ड्राइवर के आर्मर टूटा भाई ड्राइवर का, मार दे लौंडे। और डाउन ड्राइवर, बाहर निकलते सही डाउन। इनकमिंग में शुरू किया था, फिर भी इतने कम सर्व भाई, तू भी तो पैदा हुआ होगा 15-20 साल पहले, फिर भी इतना छोटा दिमाग है, -200 IQ के साथ। ओहो, सो ये है, इस चीज को आप कंपेयर कर सकते हो। फिर ये देखेंगे कि मेरे सब ज्यादा हैं कि तुम्हारे दिमाग ज्यादा है, ऑब्वियसली दिमाग कम है तुम्हारा, है कि नहीं? वाओ, ब्रेन डेड क्वेश्चंस। पंकी चैल मेरे भाई कैसे हो? लास्ट ऑफ अस पार्ट टू कब खेल हो गई? लास्ट ऑफ अस पार्ट टू, लास्ट ऑफ अस पार्ट टू हम खेल सकते हैं PS5 आएगा जब, यस देखेंगे। हाँ यार आज कुछ फ्रेम लॉस बहुत खतरनाक हो रही है, मतलब YouTube की तरफ फ्रेम लॉस हो रहा है, मेरी तरफ से फ्रेम लॉस तो ज़ीरो है। पिछले 2 घंटे 23 मिनट में एक फ्रेम भी मैंने लूज़ नहीं किया, एक फ्रेम भी, पता नहीं फिर भी क्यों। ये बोल रहा है कि बफरिंग, सुपर बफरिंग, YouTube इज़ नॉट रिसीविंग, ओपन गैजेट, ओपन विजेट, और ये काफ़ी टाइम से हो रहा है एरर, यूट्यूब इज़ नॉट रिसीविंग, जबकि मेरे में एक भी फ्रेम नहीं गिरी है। आई एम यूजिंग SDR इंस्टेड ऑफ दिस स्नाइपिंग, मिड रेंज में वॉर जोन में यही काम किया है SDR, क्योंकि इसका ADS टाइम ज़्यादा है तो यही काम आएगी। बहुत गंदा लैग हो रहा होगा आई गेस। स्नाइपर मुझे SDR अच्छी लगती क्या? नहीं यार, SDR में थोड़ा सा ADS टाइम इतना गंदा है तो मुझे SDR इसलिए पसंद नहीं आती। डू यू मिस पबजी मोबाइल? नॉट एट ऑल। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं फैन बॉय नहीं हूँ यार, मैं बैटलफील्ड नहीं आता 2-3 साल से। लास्ट का बैटलफील्ड एकदम घटिया है तो मुझे उसका भी दुख नहीं है। फैन बॉय इसलिए मैं वही कह रहा हूँ ना, फैन बॉय नहीं बनने का, फैन बनने का। बैटलफील्ड लास्ट वाला गंदा आया, सबसे ज़्यादा दुख हो रहा था मुझे। बैटलफील्ड 5 जब बकवास आया तो ऐसा लग रहा था यार छी अब क्या करेंगे, और उसके उस टाइम के बाद आज 3 साल हो गए हैं, बहुत ही बेकार है। मैंने क्या लगाया है? ओ भाई बियर लगाया है। हाँ तो उस टाइम के बाद मैंने यही सोचा कि यार अब क्या होगा, है कोई गेम शेम आइन रहा होगा क्या, आप करेंगे क्या अपने, तो फिर ऐसा है कि अगर कोई बंदा गेमर है तो वो दूसरा गेम ढूंढ लेगा, अगर कोई फैन बॉय है और उसके गिमिक्स का, जैसे बोले ना गिमिक्स का कोई बंदा फैन है अगर, तो वो बंदा गेमर नहीं है, वो बस उसको उसका रिवॉर्डिंग सिस्टम अच्छा लग रहा है, जो कि गेम वालों को मालूम है कि टीनएजर्स के ऊपर कैसा इफेक्ट डालेगा वो, इसीलिए उसको ऐसा बनाया गया है। तो हाँ, गेम प्ले मैकेनिक्स पबजी मोबाइल जैसा किसी गेम में है नहीं आज तक भी, ये तो मैं बोलूँगा, मोबाइल के अंदर उस तरह का गेम प्ले किसी का नहीं है, बट वो मोबाइल लेवल का ही गेम प्ले है, उसको हम किसी
उसको हम पीसी से कंपेयर नहीं कर सकते, कंसोल से नहीं कर सकते, मोबाइल लेवल का गेम प्ले होगा। सप्लाई बॉक्स मार्क, सिक्योर द पैकेज। उस बंदे को मेरे से आगे कूद चुका था वो, उसको राइफल ढूंढनी चाहिए थी, मुझसे आगे था ऑलरेडी वो। देयर वाज नो नीड टू टेक फाइट, बट ऐसे एनिमीज की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि बंदा खेल रहा है, एनिमी दिखा तो ऑब्जेक्टिव खेल रहा है। I like it bro. New objective identified. ये मॉनिटर यार, कब भगवान छुटकारा मिलेगा इससे। चलिए जान निकाल के रख दी इसने, खेलो ठीक है, खेलो रखते हैं। मुझे अगर वेपन चेंज करना हो तो मिडिल माउस बटन, ओके कैसे करूँगा, मुझे अगर वेपन चेंज करना है तो लाइक दिस, जान दो। कहाँ है ये चीज, नीचे है। ओके there is someone, मैंने फाइट ली तो मेरी वाट लग जाएगी, मेरे पास आर्मर नहीं, प्रॉब्ली उसके पास फुल आर्मर होगा। अब वहां हम नीचे कैसे जाएंगे, ऑलरेडी खुला हुआ है क्या, दिखते ऐसा है। बंदे ऑलरेडी आगे पहुंच चुके हैं, साला मैं ही गरीब रह गया, आर्मर नहीं मिला। ये किसी ने घेर लिया तो क्या है, सब लूटेड है। ओके मार्क आउट मूविंग। ओ भाई सब लूटेड यार, मैं ही रह गया बेचारा अकेला। बट नो चीटेड पीसी बीटा के बाद बारिश हो रही है इसमें, कोल्ड वॉर पहले दिन चीटर दिखेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, स्ट्रीम करेंगे अपने 15 को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा मैच देखना आप, ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे तो पहले मैच का ही कॉन्फिडेंस है। चलो अगर एक बोलते ना, अगर आप सुपर हाइपोथेटिकली ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाओ, हाइपोथेटिकली ऑप्टिमिस्टिक भी अगर आप हो जाओ तो भी, दैट्स लूटेड टू, अरे यार आर्मर ही नहीं मिल रहे यार, तो भी आप दूसरा मैच
कोल्ड वॉर में दूसरा मैच बस अपने टाइम नहीं लगेगा हैकर्स स्पॉट करने में। अरे कहाँ जाएं यार, वन शॉट स्नाइपर हो जाएंगे कहीं से भी अपन। तू अलग चला दे यूएवी साले, काम धंधे है नहीं यूएवी। Coming actual, ready for recon flyover. UAV entering the AO. Enemy soldier incoming. इसके पास आर्मर कहाँ से आया? गुलेक से तो आर्मर नहीं आता ना, एक आर्मर आता है गुलेक से। कैम जोन, हाँ कैम जोन, कैम जोन क्या ही बोलो। गॉड ऑफ वॉर कौन सा पार्ट मेरा फेवरेट है? गॉड ऑफ वॉर 2018 भाई। मेरे को 160 प्लस लेटेंसी आती है मोस्टली, 60-70% मुझे भी वही आती है 150-160, बट ठीक है अभी बहराइन का सर्वर लगा हुआ है। ठीक है बहराइन लगा हुआ है तो अभी के लिए मैं PS4 में ट्राई किया 10 FPS के गेम प्ले में, साउंड लाइक PS4। ओह ए आई हैव टू गो। चलो पूरी जगह यहाँ तो बंदों से भरी पड़ी, कहीं भी चले जाओ बंदे ही मिलने आ रहे हैं, तो नथिंग इज सेफ, कुछ भी सेफ नहीं है। तो हम जाएंगे 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 जाएंगे, बंदे हर जगह लिटरली आज तक। चलो वहाँ जाएँ क्या, वहाँ तो ओपन में मेरा गेम हो जाएगा, ओपन फील्ड में। प्रोबब्ली नॉट अ गुड आइडिया, प्रोबब्ली नॉट अ गुड, आई डोंट नो, इंडीड नॉट। मिल गया तो ठीक है, बाकी इस घर में बंदा हो सकता है, यहाँ पे होगा, इस घर में तो होगा ही आई गेस, या फिर इस छत पे या फिर इस घरों में कहीं से भी मुझे कोई देख सकता है। प्लीज 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 थोड़ा टाइम दे दो बस, ज़्यादा नहीं, आर्मर लूटना उतना टाइम दे दो बस, खिड़कियों से मत मारना प्लीज। हाँ लूट लिया हमने, वाह। अरे हमारी भी साथ क्या है ये ब्राइटनेस साली। एनिमी यूएवी ओवरहेड। हाँ लाला चलाओ यूएवी। एनिमी रिकॉन ड्रोन इन योर एरिया। Not a bad thing. Chalo. Chalo, chalo, chalo. Chalo.
proper teacher. और बिना यूएवी के तो मुझे स्पॉट कर ही नहीं पाता हूँ. यूएवी से स्पॉट कर लिया और फिर वाओ M4 फंसा ली. नाइस, बन गए टट्टू. ओ सी सर्वर में फिर से चीटर्स मिलेंगे कोल्ड वॉर में. सी सर्वर में कौन से गेम में नहीं मिलते भाई, हर गेम में ही है. देखो ना, पबजी पीसी में भी या तो बॉट्स मिलते हैं आपको, या तो चीटर्स मिलते हैं, या तो मीडियोकर बंदे मिलते हैं, बस कुछ नहीं है. इसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं है पबजी पीसी सोलो में या डुओ में भी. 15 किल 12 किलो यार ही डुओ में, बताओ 3-4 किल करना भारी होता है पबजी पीसी में. बट एज यू कैन से Enemy overhead. ये भोंदू पना हटा देना इसमें से, तो खैर बंदे खेलेंगे नहीं, क्योंकि जिनको जिनको ये गैजेट वाला गेम प्ले पसंद है, नूब टू वाला, तो वो खेलेंगे नहीं बंदे, तो वो हटाएंगे नहीं कभी. उनको ऐसा करना चाहिए कि आप ये चीज़ें आप जो मल्टीप्लेयर है उसमें रहने दो, प्लंडर में रहने दो, बैटल रॉयल में से हटा दो, फिर गैजेट रॉयल आता है वो. गैजेट रॉयल, हार्ट बीट सेंसर रॉयल, जिस गेम में आपको गन चलाने से ज़्यादा अपने गैजेट्स पे निर्भर रहना पड़े, तो वो गेम वही मालूम पड़ता है कि क्या बोलो उसको, जैसे क्या ही बोल सकते हैं. कौन सी स्नाइपर राइफल यूज़ करते हो? मैं यूज़ करता हूँ M24 SPR 208 रेमिंगटन M700 R700 रेमिंगटन, जो बोल लो. फिक्शनल नेम है SPR, फिक्शनल नेम है रेमिंगटन 700 और फिर टन 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 M24 तो है ही. PS4 का टाइम खत्म हो गया है. PS4 का टाइम तो गॉड ऑफ वॉर में खत्म हो गया था. गॉड ऑफ वॉर में लिटरली 15 की फ्रेम आ रही थी, 15 की फ्रेम गॉड ऑफ वॉर में भी मैंने देखी है. वही गेम हो गया था PS4 का. तो किसी के पास हो ना अगर PS4 तो ट्राई करना गॉड ऑफ वॉर पे, मजा आ जाएगी. There you are. Oh, तुमने चलना बंद कर दिया, मेरी गलती नहीं है. अरे फिर चलना बंद कर देते हो तुम, तुम्हारी वेलोसिटी देख के ही तो मैं अपनी वेलोसिटी तैयार करता हूँ. जस्ट लाइक दिस फ्रैक्सोम भाई, हेलो प्रणाम, कैसे हो, क्या हाल चाल. आदित्य मंजरेकर भाई हेलो. स्क्वाड्स में गैजेट्स मैटर करते हैं. तो ये गेम का है ना, अगर आप इसमें हटा दोगे, देखो मेरा ऐसा सोचना है कि अगर आप यूएवी हटा देते हो तो फिर डबल वेपन सेटअप बहुत भारी पड़ेगा इस लो रिकॉइल गेम में. डबल वेपन सेटअप थोड़ा भारी पड़ जाएगा अगर आपने यूएवी हटा दी तो. हार्ट बीट सेंसर हटा दिया तो आप कैंपर पकड़ने के जो थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है वो हार्ट बीट सेंसर से होती है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी. भाई अटक क्यों गए तुम, व्हाट्स हैपनिंग. ओह तबीयत से पड़ती बेटा, देखो तबीयत से. बिट ऑफ बॉडी आर्मर हियर. प्रोसीड
to the marked location and secure the area. Dunga tab bas. Anybody need this? सुने आ रहे हो साहब जी? ओके साहब जी, साहब जी गुड नाइट। बॉल हल्ला करते टाइम क्रेटोस ब्रेक डांस करता है, यस वही तो। Behind you, behind you. यार स्क्वाड्स में पता नहीं क्या, स्क्वाड्स में आप शायद यूं भी स्पॉट हो जाओ या यूं भी एनिमी को स्पॉट कर लो, स्क्वाड में उतना मैटर ना करे कभी। और ये सोलो का फन यार अलग ही होता है। सोलो में आपको क्या है कि चार पांच रिस्पॉन नहीं मिलते हैं, स्क्वाड्स में आपको चार पांच रिस्पॉन मिलते हैं। तीन लोग आपका, तीन लोग हमेशा खड़ा रहते हैं लोटा लेके आपके लिए कि ले भाई तेरे पास लोटा नहीं तो मेरा ले ले। तो स्क्वाड का थोड़ा ऐसा फंडा है। सोलो का जो बात है ना, टोटल अपने दम पे, कोई किसी का वो नहीं। और स्क्वाड्स में आपको क्लच काफ़ी मिलते हैं। सोलो के क्लचेस सबसे सबसे स्किल्ड सोलो के क्लचेस ही होते हैं। स्क्वाड के क्लच तो आपको मिल ही जाएंगे कि हाँ भाई प्लेयर्स कम है तो, प्लेयर्स मतलब चांसेस आपको ज़्यादा मिलते हैं क्लच मारने के बेसिकली। ओह ब्रो हेड, उड़ते पंछी का गेम कर दूंगा मैं। मजा आ गया यार वो हेडशॉट, वाओ वो कातिल हेडशॉट। वाओ अरे यार उचक गया वो, खड़ा हो गया, जंप क्यों करी तूने? हिलो मत यार, मेरे पीछे आता होगा बंदा थोड़ी देर में। वाह ओ भाई खतरू गेम हो गया भाई का। मुझे मारने आ रहे हैं इनको। एक सेकंड, एक ओह नो ब्रो, एक सेकंड। आर्मर तो गया ही लौंडे का, कहाँ गया ये? अरे मेरी किल लूट ली रे, कौन था ये किल लूटअल? आर्मर टूट रहे हैं बस, आर्मर टूटना भी अच्छी बात है यार। ओ ब्रो जय बात, फ्रेंडली प्रेसिजन एयर स्ट्राइक। Just like this. No. Be advised, friendly position airstrike inbound. अरे शॉट लगा आर्मर टूटने के बाद, कुछ हुआ नहीं? अब हुआ ना? Enemy soldier incoming.
अरे पीछे आके खड़ा हो गया है सुर्री के बाद बस की कुछ नहीं सुर्री टट्टू आ गया पीछे इसका गेम करना होगा और अच्छा है स्नाइपिंग कर रहे हो ओहो सेवड़े की जिंदगी गीगा फाइबर में पिंग बाकी आई एस पे स्लो आती है क्या गीगा फाइबर का अपना खुद का गेटवे है रिलायंस का तो 2-5 पिंग यार इससे ज़्यादा कुछ नहीं दो पाँच से ज़्यादा नहीं यार इनके हेडशॉट के किल काउंट नहीं होते यार बहुत गुस्से वाला मामला है ये इतने बंदों को आप नॉक करो किल काउंट नहीं होती मुझे ध्यान रखना चाहिए था इसका टट्टू का सूर्य टट्टू का ध्यान रखना पड़ेगा भाग गया सूर्य टट्टू यूएवी में तो दिख नहीं रहा है पता नहीं गोस्ट में है क्या ओ माय गॉड क्या हेडशॉट था कैलकुलेटेड माय गॉड फ्रेंडली प्रिसिशन एयर स्ट्राइक क्या रनिंग में दिया भाई को यार मजा आ गई होगी उसको तो यार उसका तो उद्धार हो गया है कोई चिंकड़ मार गया चिंकड़ तो नहीं था वो पड़ोसी था नो चिंकड़ ब्रो ओके ये लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग के बहुत मजे हैं बैटल फील्ड होता तो मजा आ जाती बंदा अटक गया था हमने उसको अटके अटके मारा है अटके अटके मारा है ये तो गया बेटा आर्मर ही टूटा तुम्हारा क्यों डाउन होना चाहिए तुमको तो आर्मर टूटा क्या करोगे जस्ट लाइक दैट मजा तो आती है इन लॉन्ग रेंज शॉट्स में क्या बोलते ले पर ये कुछ ज्यादा ही लॉन्ग हो गया वॉर जोन का साइज इतना बड़ा क्यों है भगवान जाने कौन सी टेक्नोलॉजी ये लोग यूज कर रहे हैं एक्टिविजन वाले नो आइडिया ब्रो कंप्रेशन टेक्निक बहुत अच्छी अच्छी आ चुकी हैं ये लोग क्या कर रहे हैं क्या इनके मन में है भगवान ही जानता है बंदा मेरा इतना पास है क्या लिटरली अच्छा निपटा दिया उसको कि कूद गया नीचे वो अरे भैया प्रसाद ले लो प्रसाद दे रहे हैं तुमको एक बार खड़े हो बस ऐसा नहीं चलेगा कि मैं स्नाइपिंग कर रहा हूँ तुम मिलते डुलते रहो हैं कौन मार रहा है इसको इसको यहाँ से कोई मार रहा है ओ ये रहा स्नाइपर देख रहे हो ये रहा ये तो दौड़ रहा है वो दौड़ रहा है देखो अगर ये भाई वहाँ तो शॉट जाएगा लेट्स ट्राई एक जगह खड़े रहो यार हेडशॉट था वो Oh my god. Contract complete. Recon intel secured. ऐसे हेडशॉट मैंने वॉरजोन में काफी मारे हैं हवा में हेडशॉट बहुत मारे हैं मतलब काफी अच्छे से बड़ी
काउंट में मारे हैं, पर ये हेडशॉट तो ओ थ्रिल दे गया, थ्रिल। ओह माय गॉड, क्या था यार ये। ओहो, भागते हुए पड़ोसी का गेम कर दूंगा मैं। पैशे क्या मारा है उसको यार। ओह माय गॉड, बदला हुआ पूरा हमारा साथ ही साथ, हमारा रिवेंज कंप्लीट हुआ, रिवेंज। अब वो वहां पर जाएगा हमको ढूंढने। ओह हो, क्या शॉट था यार, माय गॉड। प्रोसीड टू द मार्क लोकेशन एंड सिक्योर द आर्मर पे लगी। हाँ, साइबरपंक और GTA 6 कितना बड़ा होगा उस पे। साइबरपंक इज अराउंड 75 GB, मे बी GTA 6 वुड बी अ बिट बिगर। साइबरपंक को 75, दैट्स इट। अब उसमें ये पता नहीं कि मल्टीप्लेयर एलिमेंट कितना ऐड लेटर ऑन करेंगे, या फिर मल्टीप्लेयर आपका डे वन से प्लेएबल है क्या, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपका साइबरपंक मल्टीप्लेयर डे वन से ऐड रहेगा गेम के अंदर खेलने के लिए, ठीक है, वो सब आइडिया नहीं है। वो बंदा मुझे ढूंढ रहा है। मैं वन शॉट जाऊंगा, मेरे पास आर्मर नहीं है। आर्मर नहीं था। एक जगह खड़ा हो जा, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। पर वो बंदा तो बेचारा भाग रहा था, भागम दौड़ी कर रहा था। गेम हो गया भाई का, इसको तो सबक सिखाना होगा यार, इसको सबक सिखाएंगे, इसको स्नाइपिंग थोड़ी सिखा दें। ओ हम बहुत दूर हैं, इसको स्नाइपिंग सिखाने के लिए हम वी आर टू फार अवे। इसको सबक सिखाने के लिए वी आर टू फार अवे, बस सबक तो सिखाना ही है इसको, बट बहुत दूर है, इन पहाड़ियों के भी पीछे जाना पड़ेगा, बहुत लंबा रास्ता है। बदला लेने जाऊं कि क्या करूं, सोच रहे हैं बदला ले लें। रोज दिखता है वो बंदा मुझे, पहली बार नहीं आया, जो वो बंदा रोज फॉलो करता है। सोच रहा हूँ गेम कर दूँ उसका मैं। बवंडर इन प्लंडर, ये लोग पता नहीं इसको बोलते हैं कहाँ से, इनको लगता है कि ये बंद, ये चीज वो है, क्या बोलते हैं, ई स्पोर्ट्स रेडी। गैजेट्स हटाओ पहले, ई स्पोर्ट्स तो कहाँ बनेगा जब तक गैजेट्स हैं। GTA 5 60 GB का था, GTA 5 60 का था, मैं 65 अराउंड था, यस पीसी पे, हाँ डे वन को 65 अराउंड था, यस, या फिर पता नहीं 80 था, 80 80 80 80।
अब तो 75 GB कम लगता है यार। PCI Express Gen 4 आ रही है SSD, और Gen 4 आपकी स्टार्ट हो रही है 1 TB से। 1 TB मतलब बहुत बोलते ना कि बिलो जेनरिक हो रही होने वाली है PCI Gen 4 जो SSD आएंगी। अरे भाई नहीं, Gen 4 हो गई है वो बताओ, और 1 TB तो आएंगी आपकी एकदम लोएस्ट 1 TB, और करंट SSD जो है SATA हार्ड ड्राइव उनसे तो बाप रे 50 times अगर आप एडिटिवली जोड़ो तो बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा। स्पाइडरमैन गेमिंग हेलो भाई, न्यूज चैनल वालों ने स्ट्रीम देख लिया तो होल्डी पहलवान पड़ोसी परेशान। रेल वायर और नॉर्मल फाइबर में डिफरेंस क्या है? कोई रेल वायर में डिफरेंस नहीं है, फाइबर फाइबर है, उनकी राउटिंग पे डिपेंड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है सर्वर का भाई उस पे डिपेंड करता है, पैकेट लॉस होना नहीं होना। फाइबर लग गया तो लग गया, पर बैक एंड में सर्विस कैसी है, ऑफिस में राउटिंग कितनी क्लीन है, वो सब डिपेंड करता है। और एक्सचेंज जो भी आप एक्सचेंज ऑफिस से आपके घर तक आते आते कितने जॉइंट्स लग गए फाइबर में, वो मैटर करता है। अब हार्ड ड्राइव का ज़माना गया, थोड़ा SSD का प्राइस कम करें। SSD पहले से कम हुई है, पहले मैंने जो फर्स्ट SSD ली थी 512 वो थी 10,200 की। एक्चुअली जो मैंने जितनी भी SSD ली हैं वो सब 10,000 के ऊपर वाली हैं 512, और अब वही सेम मिलती हैं M.2 आपको 5.5 में मिल जाती है 500 GB, सस्ती तो हो गई काफ़ी। अब ये शायद देखो पता नहीं क्या होता है, अब जिसके पास वो है, जैसे मैंने क्या किया कि मैंने मॉडर्न वॉरफेयर हटा करके 227 की 232 GB का गेम हो गया था, मैंने पूरा गेम को डिलीट किया और वापस से वो 105-110 GB डाउनलोड किया, ये हाल थी, क्योंकि इसमें मॉडर्न वॉरफेयर भी पड़ा हुआ था, मुझे स्पेस डालना है कोल्ड वॉर के लिए, तो वो 230-232 GB क्या करेंगे घेर के, क्योंकि अब वैसे भी जो नए वेपन्स आने वाले हैं या बैटल पास जो आएगा उसके जो असाइनमेंट्स आएंगे या फिर नई स्किन्स या नए गन के स्किन्स जो भी आपको मिलेंगे वो आपको कोल्ड वॉर में ये लोग जानबूझ के ठूस देंगे ताकि बंदा जो है कोल्ड वॉर भी ले खेले और स्किन्स वहाँ से अनलॉक करें। डेफिनेटली कुछ स्किन्स तो आएंगी, जब आप पूरा कैंपेन कंप्लीट करोगे तो आपको हो सकता है अलग अलग वेपन की स्किन्स मिले वॉर जोन के अंदर खेलने के लिए, कोल्ड वॉर की मिलेंगी, और AWM आएगी भाई मज़ा आ जाएगी। AWM का गेम प्ले जब आएगा तो देखेंगे, चलने में थोड़ी लाइट लग रही हो बट शायद देखेंगे, लाइट इसलिए क्योंकि उसमें अभी पूरे मैक्सिमम राउंड्स अनलॉक नहीं हुए होंगे, क्योंकि जैसे 338 लैपो मैग्नम M24 के लिए अनलॉक हुआ है, वो जो कोल्ड वॉर का बीटा अभी आएगा भी हम भी खेलेंगे ना तो वो हमको अनलॉक करने नहीं मिलेगा, मुझे लगता है गन हमको सिर्फ 25 रैंक तक अनलॉक करने मिलेगी का AWM, या फिर 15 रैंक तक, पता नहीं जो भी रैंक उन्होंने रखी है, मेरे ख्याल से लास्ट रैंक शायद 15 थी या फिर 30 थी शायद बीटा में, देखेंगे पता नहीं मुझे आइडिया नहीं, बट लास्ट जब आप उसमें बड़ा राउंड डालोगे तब चलेगी पोपी, वाह मज़ा आएगी फिर। हाँ SSD बहुत कम हुई, यस हाँ, मतलब मेरे पास 3 SSD हैं, तीनों 10,000 के ऊपर वाली हैं, यस बहुत टाइम हो गया ना यार, मैंने आज नहीं ली थी, बहुत 4-5 साल पहले ली थी, तो यस उसमें से एक ख़राब हुई तो रिप्लेस भी हुई, मालूम है ना जब मैंने PC बनाया था 990K तो वो उड़ गई थी, तो नहीं मिली, नहीं लेके आए फिर हम। गॉड लग रहा है 500 GB का गेम कर देगा। अभी देखो इसमें मेन चीज क्या ही बोलने क्या ही बोलने क्या ही बोले, हाँ मुझे लगता है 5-6 साल बाद गेम के साइज में कमी तो नहीं आएगी, पता नहीं इसको कैसे एक्सप्लेन करें आप। 5-6 साल बाद ऐसा होगा ना कि सबके पास 1080p तो सबके पास होगा, कोई बंदा 720p पे खेलता नजर नहीं आएगा, तो वो कोई भी गेम 720p के लिए ऑप्टिमाइज नहीं होगा, तो जो टेक्स्चर उनको रखने पड़ते हैं ना बंदों को कि यार 720p के लिए भी टेक्स्चर रखो, ठीक है ऐसा होता है, अभी 720 के लिए अलग टेक्स्चर तो गेम अलग टेक्स्चर लोड होगा, आपका ग्राफिक सेटिंग्स वो ले लेगा कि हाँ कार्ड कौन सा है आपके पास, तो उस हिसाब से वो टेक्स्चर लोड करेगा। अभी क्या होता है कंप्रेशन सिस्टम काम नहीं करता, गेमिंग में कंप्रेशन सिस्टम काम कर लगाएंगे तो और इनपुट लैग बढ़ जाएगा,
1080p वाले के लिए टेक्सचर पड़ा हुआ है गेम के अंदर, 2K वाले के लिए पड़ा हुआ है, 4K वाले के लिए पड़ा हुआ है। तो अभी मतलब हर तरह के रेजोल्यूशन पड़े रहते हैं और आपके सिस्टम हार्डवेयर के हिसाब से वो गेम कैलकुलेट करता है कि आपने हाँ चलो रेजोल्यूशन कौन सा रखा है, उसके हिसाब से आपका टेक्सचर वो ले लेता है। तो फ्यूचर में 4-5 साल बाद ऐसा होगा कि हाँ 720p के नीचे कोई टेक्सचर वो लोग रखेंगे ही नहीं, तो पर उससे तो कोई साइज कम नहीं पड़ेगा कोई खास, पता नहीं देखो क्या होता है, क्या क्या करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी लाते हैं, कोई कंप्रेशन सिस्टम लाते हैं कि क्या लाते हैं, भगवान जाने। पबजी सीजन 9 का टीजर देखें, ओके टीजर, मैं तो यार पीसी पबजी पीसी का तो क्या ही बोले, मेरे पास है PS4 पे, तो PS5 पे ट्राई करेंगे। अब पता नहीं अपग्रेड करने का वापस से पैसा भरना पड़ेगा कि पता नहीं, 5 साल बाद 5-10 TB की SSD 5-10 TB, हाँ 10 TB तो दिख जाएगी 10 TB दिख जाएगी। यस क्या कोल्ड वॉर 31 GB ऑन PS4 पे तो कहाँ से खेलूँगा, मेरा PS4 ख़राब पड़ा है तो कहाँ से खेलूँगा PS4 पे, मैं खेला होता तो मैं फर्स्ट डे स्ट्रीम कर देता, वैसे भी मेरे पास PS4 प्रो है तो मेरे में चल जाता मस्ती से, 60 FPS आया थी परफॉर्मेंस मोड में डालता था उसको, एक होता है फिडेलिटी मोड एक होता है परफॉर्मेंस मोड, तो परफॉर्मेंस मोड में 60 up to 60 दे देता, 50 से लेके 60 तक। ऐसा है ओके भाई लोग, बहुत बहुत थैंक यू आज आप सभी के ज्वाइन करने के लिए, आज की स्ट्रीम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, चैट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आज के ख़तरनाक मेंबरशिप और डोनेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाली लाइव स्ट्रीम्स में मैं आपसे फिर मिलूंगा, मैं हूं गोल्डी, भारत माता की जय, बैम बूम ब्रीम, आ कह दीजिए मुझे, आप सभी को शुभ रात्रि करता हूँ मैं।